हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीएस कार्ट इंडिया। मैं अभिजीत जयसवाल आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, छोटा नहीं मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर में। राइट, कुछ चीज़ें बिफोर आई स्टार्ट, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा सीएस फाउंडेशन के बच्चों के लिए, ठीक है। ये वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा, वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, विच विल बी कवरिंग योर 40 मार्क्स। एंड चौथा, अगर आप लोगों को हमारे और सीएस कार्ट के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो टॉपिक्स है ना, पांच ही टॉपिक्स है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे टॉपिक्स है। कौन कौन से टॉपिक्स है? सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्किल्स ऑफ बिजनेस, चौथा है इमर्जिंग ट्रेंड्स और पांचवा है बिजनेस फंक्शंस, ठीक है। पहला चैप्टर जो हम लोग है वो शुरू करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो भाई देखो दो शब्द हैं, एक है बिजनेस और दूसरा है एनवायरनमेंट, है ना। अब यार इनको इंडिविजुअली अगर हम देखें तो बिजनेस क्या है हमें सबको पता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन, कुछ पैसे के बदले में आप गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, वो है बिजनेस, बराबर। अब भाई साहब एनवायरनमेंट, हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है वो एनवायरनमेंट कहलाई जाएगी, बट हमें ये चीज अलग अलग नहीं पढ़ना है। वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? भाई साहब हर वो चीज, ध्यान से सुनिएगा, हर वो चीज जो कि आपके बिजनेस पे असर करती है, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। वापस, एवरीथिंग दैट हैज अ बेयरिंग और एन इफेक्ट ऑन योर बिजनेस विल बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल, भाई साहब अगर आप लोग के एकदम, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपके एकदम बाजू में, बगल में, नॉट लिटिल बगल, बाजू में, एकदम बाजू में एक दुकान वाला है जो कि बर्तन का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो बिजनेस है उसके बिजनेस से अफेक्ट हो, तो ही विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस एनवायरमेंट, बराबर, एकदम बाजू में था भाई साहब। बट एट द सेम टाइम जो आपका सप्लायर है जो दूसरे सिटी में है, अब देखो यार सप्लायर का कुछ हुआ, उसका बिजनेस बंद हुआ, तो क्या आपके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो वो विल, दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो दूर होके भी कितना पास है भाई साहब, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आ गया और ये नालायक आपके बाजू में खड़ा है, आपके बाजू में दुकान खोल के बैठा है, बट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो कंसेप्ट समझ में आया, हम लोग ये चैप्टर में यही देखने वाले कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, है ना। फिर इसके बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। चलो इंट्रोडक्शन देख ले, दीज नोट्स आर बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल का जो थियोरी है वो, तो आप लोग को ज्यादा अलग नहीं लगेंगे मॉड्यूल से नोट्स। अब भाई साहब इंट्रोडक्शन में दिया है बर्नार्ड, एक इंसान थे भाई साहब बर्नार्ड ने क्या बोला कि एनवायरमेंट इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स ये एनवायरमेंट में आता है, एग्लोमरेशन मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स इन मोशन, जो भी चीजें हैं मोशन में वो आएगा भले ही वो जीवित है, ऑफ मेन एंड इमोशन, फिजिकल एंड सोशल लॉज, सोशल आइडियाज, नॉर्म्स ऑफ एक्शंस, ऑफ फोर्सेस एंड रिस्ट्रेंट्स, सारी चीजें जो है ना भाई साहब वो किस में आ जाएगी, एनवायरनमेंट में आ जाएगी। अब इतनी सारी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट में आती है, इन अनगिनत है ना, इनफाइनाइट है भाई, अनगिनत है, आप देख मतलब सोच नहीं सकते क्या क्या चीजें एनवायरनमेंट में आएगा, राइट। बट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रहेगा? हर वो चीज जो कि आपके भले कंडीशन हो गया, सर्कमस्टेंस हो गया, कोई भी चीज जो कि आपके बिजनेस को असर करती है उसे हम देखेंगे, इंक्लूड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगर आप देखें मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है भाई साहब, ये टू डिफाइन बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं भाई कि हम लोग वो ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट जो कि लोगों के जरूरतों को पूरे करने के लिए करता है। बिजनेस क्या है भाई साहब? हर वो एक्टिविटी जिससे कि आप गुड्स को बेचने या खरीदने की, है ना, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और आपका फॉर सम कंसिडरेशन, जिससे कि आपके लोगों की क्या पूरी हो जाए बेटा, जरूरतें पूरी हो जाए एंड आपका मोटिव है पैसा कमाना, तो यार ये क्या है, ये बिजनेस कहलाया जाता है, ठीक है। अब बिजनेस जो है वो अलग अलग साइज के रहते हैं। अब बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है भाई, वो इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? तो देखो यार द पर्पस ऑफ बिजनेस इट गोज बियॉन्ड अर्निंग प्रॉफिट्स, पर्पस ऑफ बिजनेस बोला है, इस पे एमसीक्यू वगैरह पूछ सकता है, क्या बोला है बेटा, ये सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। देखो यार बिजनेस जो है वो सोसाइटी के बिना और सोसाइटी जो है वो बिजनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते,
है ना, दो जिसमें एक जान। बिजनेस सोसाइटी के बिना और सोसाइटी बिजनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सोच के देखो, आप यू लिव इन अ सोसाइटी जहां पे कोई बिजनेस ना है, घर के पास की दुकान ना है, आइसक्रीम ना है, रिचार्ज का कोई सेंटर नहीं है, मोबाइल की शॉप नहीं है, किराना शॉप नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास घर 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 घर। हाँ भाई साहब, नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो बिजनेस इट एग्जिस्ट बिकॉज देर इज सोसाइटी, एंड सोसाइटी इट एग्जिस्ट बिकॉज देर इज अ बिजनेस, है ना। तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। दूसरा, ये क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। तीसरा, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है बिजनेस। ठीक है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, या क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे आप कहते हैं, वो बेहतर करता है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है। सर, एक बिजनेस इकोनॉमिक ग्रोथ में? बेटा, अगर आप एक बिजनेस को देखोगे तो वो एक बिजनेस है, बट ऐसे छोटे 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 अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस को जोड़ दो तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एक बिजनेस जो भी टैक्स करे, टैक्स भरेगा या इकोनॉमी में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, वो तो बहुत छोटा है, बट सबको का अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो बहुत ज्यादा है ना। तो भाई देखो, बिजनेस क्या है, हमने ये समझ लिया। अब भाई साहब, बिजनेस क्या है, सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस, एंड सिमिलरली बिजनेस जो है वो भी आपकी सोसाइटी के बिना काम नहीं कर सकता। अब मॉडर्न बिजनेस जो है ना, वो डायनामिक है, चेंज होते रहता है भाई साहब। मॉडर्न बिजनेस, देयर इज नथिंग कांस्टेंट, है ना। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन टुडेज बिजनेस और टुडेज वर्ल्ड इज चेंज, है ना। जो चेंज है वही आते रहता है भाई साहब, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, अब एनवायरमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस क्या है वो समझ लिया। एनवायरमेंट का मतलब ऑल दोस फोर्सेस जो कि आपके बिजनेस पे असर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या इट हैज अ बेयरिंग ऑन योर बिजनेस या फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, उसे हम इंक्लूड कर लेंगे बिजनेस एनवायरमेंट में। अभी बहुत सारी चीजें रह सकती है भाई साहब, ये आपका इकोनॉमिक कॉज रह सकता है, या आपका सोशल कॉजेस रह सकते हैं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट रह सकता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रह सकता है, बहुत सारी चीजें रह सकती है, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल भाई, अब मान लो अगर आप एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, है ना, आप एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, बाजू वाला जो बंदा है वो क्या करता है, उसने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया जहां पे टाइपिंग भी सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं, सब कराते हैं। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर वो बाजू वाला बंदा वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है, तो लोग आपके यहां पे सिर्फ टाइपिंग सीखने आएंगे कि बाजू के इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने भी जाएंगे? जाहिर सी बात है, वो बाजू के इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने भी जाएंगे। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपका टाइपिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पुराना होते जा रहा है, वहां पे अभी लोग कम होते जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यार जो टेक्नोलॉजी है वो चीज अगर चेंज होती है तो आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। एक और एक चीज, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो भी अगर हुआ, चेंज हुआ, तो आपको तब भी दिक्कत जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे भाई साहब, आप सोच के देखो, पहले जब अमिताभ बच्चन साहब की पुरानी मूवीज आती थी, जैसे आपके शोले हो गया, है ना, दीवार वगैरह जो पुरानी मूवीज हैं, जय वीरू वाली मूवीज, है ना, तो यार तब जो अमिताभ बच्चन साहब पैंट पहनते थे वो कौन से पैंट होते थे, बेल बॉटम, है ना। अगर किसी ने देखा नहीं है तो गूगल करके देखना, बेल बॉटम पैंट्स या बेल बॉटम जीन्स। वो थाइस पे इतने टाइट रहते थे बेटा कि थाइस सांस ना ले पाए बट नीचे से इतने ढीले रहते थे, ठीक है। बट आजकल वो पैंट कोई पहन के घूमता है क्या? नहीं, आजकल आपके वो सब पेंसिल रबर कौन से जीन्स आ गए, पेंसिल आपका जीन्स आ गया, लो वेस्ट हाई वेस्ट सब जीन्स आ गए बेटा आपके, बट कोई वो नहीं पहनेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है बेटा, आपका जो टेक्नोलॉजी है, सॉरी आपका जो लोगों का प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो रहा है, तो इससे भी आपके बिजनेस पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंट जो है ना, ये बेसिकली जो है वो एक्सटर्नल होता है। एनवायरमेंट दो टाइप का रहेगा, एक तो रहेगा इंटरनल और दूसरा रहेगा एक्सटर्नल, है ना। बिजनेस एनवायरमेंट इट विल बी ऑफ टू टाइप्स, एक रहेगा इंटरनल, दूसरा रहेगा एक्सटर्नल। अब जो आपका इंटरनल एनवायरमेंट है ना, दैट इज इन योर कंट्रोल। अब देखो, इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, वो एनवायरमेंट जो कि आपके बिजनेस के अंदर है, वो एनवायरमेंट जो कि आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो वो तो आपके बिजनेस पे ज्यादा असर नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है ना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते भाई साहब, वो आपको फर्क करेगा, वो आपको दिक्कत देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है। एचआर पॉलिसीज, वो आपके कंट्रोल में है। ऑल दीज फॉर्म्स क्या बेटा, इंटरनल एनवायरमेंट। मशीनरी क्या यूज कर रहे हो, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। बट आपका कॉम्पिटिटर क्या पॉलिसी बना रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? आपके जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये एक्सटर्नल में आएगा,
ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट इसीलिए कहा जाता है कि इट इज मोस्टली एक्सटर्नल, है ना, इंटरनल को इतना भाव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज भाई साहब उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लार्जली इफ नॉट टोटली लार्जली वो क्या है बेटा, दोज आर एक्सटर्नल जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान देंगे, ठीक है। नाउ बिजनेस एनवायरमेंट ये क्या है बेटा, ये आपके फॉर्म को थ्रेड्स भी दे सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल भाई, एनवायरमेंट, अब देखो यार पॉलिटिकल या लीगल एनवायरमेंट क्या है। लीगल एनवायरमेंट में गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया कि जो आपकी पतली प्लास्टिक बैग्स हैं वो बैन है, वो यूज नहीं कर सकते, है ना। तो यार ये थ्रेट हो गया आपके लिए, बट वहीं पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी कैसे ला देगा। अब यार आप पेपर बैग्स बनाना शुरू कर लो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। तो बिजनेस एनवायरमेंट इट इज फुल ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर इसके बाद में बोलता है एवरी सक्सेस, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडैप्टिंग इटसेल्फ एज पर द एनवायरमेंट। भाई साहब आप बिजनेस एनवायरमेंट को कैसे अडैप्ट करते हो, कैसे उसके अनुसार खुद को ढालते हो, तभी आपका बिजनेस चलेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में या आप एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढालते नहीं हो तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आप लॉन्ग रन में चलोगे नहीं, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। जो चीज पुरानी हो जाती है उसे कोई महत्व नहीं देता है, ठीक है। नाउ जो सारे आपके एस्पेक्ट्स है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर एक्सटर्नल एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। भाई जो भी आपके बिजनेस है, बिजनेस एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो सब एक्सटर्नल है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम ज्यादा महत्व देते हैं, राइट। तो आपको बहुत जरूरी है वो चीज समझना, बिजनेस एनवायरमेंट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कौन कौन सी चीजें आपको असर करेगी, कौन कौन सी चीजें जब आपको असर करेगी तो आप उसके रेसिप्रोकल एक्शन क्या लोगे, उसको आप किस तरीके से काउंटर करोगे, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला फीचर क्या है भाई, इट इज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। भाई हर वो चीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बिजनेस एनवायरमेंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखो इंटरनल भी है, बट इंटरनल को तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, तो इसलिए उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम किसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब देखो यार दो टाइप के आपके फोर्सेस रहेंगे, एक रहेगा स्पेसिफिक जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत और डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स, है ना, ये आपके या आपके सप्लायर्स, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत इफेक्ट करेंगे, जल्दी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल एंटरप्राइज को इफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, राइट। जनरल फोर्सेस मतलब क्या है भाई साहब, ये ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री को, सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं करेंगे बट आपके जैसे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको इफेक्ट करेंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वो प्लास्टिक का जो बैग्स है वो बनाना बैन है, तो यार सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हुआ क्या? नहीं, आपके जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब लोगों ने वो पन्नियां लेना बंद कर दिया, है ना, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, लोगों ने पन्नियां लेना बंद कर दिया, तो भाई साहब दिस इज अ जनरल फोर्स, सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है, पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा पहला कौन सा देखा, इट इज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, और दूसरा देखा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फिर आता है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस एनवायरमेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हर एक चीज चेंज होती है। देखो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहेगी, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो कि आपके बिजनेस को इर्द गिर्द या आपके बिजनेस को जो अफेक्ट करती है, बिजनेस एनवायरमेंट जिसे हम कहते हैं, वो चेंज होते रहेगा, वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आता है अनसर्टेनिटी। भाई अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, आगे क्या होगा वो देखना बहुत मुश्किल है। और इतनी सारी चीजें हैं यार बिजनेस एनवायरनमेंट में, हर एक चीज को गौर से देखना इट बिकम्स रिलेटिवली डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना भाई साहब, ये एकदम से प्रेडिक्ट करना कि लोगों का क्या टेस्ट रहेगा, लोगों का क्या प्रेफरेंस रहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यार, आपके लैपटॉप्स का और कंप्यूटर्स का बिजनेस बहुत बूम हुआ है ना, बहुत बड़ा है यार। आज से डेढ़ साल पहले किसने सोचा था कि आने वाले डेढ़ साल में इतना ज्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा।
यार लोग जो है जो छोटी मोटी दुकानें डाल के बैठे थे उन लोगों ने अपना बिजनेस चेंज कर लिया तुरंत। यार जितने बच्चे हैं सबको लैपटॉप लग रहे हैं आजकल पढ़ने के लिए, मोबाइल फोन्स लग रहे हैं, कितना इंटरनेट का बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक है, तो यार बिजनेस एनवायरमेंट जो है इट इज अनसर्टन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, है ना, तो इसलिए इट इज वेरी अनसर्टन। फिर आता है रिलेटिव, भाई ये डिफर करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, है ना, जो आपके लिए पॉजिटिव है वो मेरे लिए हो सकता है नेगेटिव है, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो सकता है। ठीक है, एंड ये क्या है भाई, रिलेटिव है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, जो जिस जगह पे जो चीज पॉजिटिव है, जिस जगह पे जो चीज मानी जाती है वो चीज वहां पे अच्छी चलेगी, है ना, यार हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है तो हमारे यहाँ पे वो चीज नहीं चलेगी। तो इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंट्री टू कंट्री एंड इवन प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब इट इज मल्टीफैसेटेड, मल्टीफैसेटेड का मतलब क्या है कि भाई साहब ये इतने चेंजेस लाता है बिजनेस एनवायरमेंट कि आपके जो नॉलेज है ना, ये बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इट इज इट चेंजेस आर फ्रीक्वेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन, चेंजेस मे बी व्यूड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। भाई हर एक इंसान के लिए जो चेंज है ना, हर एक इंसान उसको अलग अलग नजरिए से देखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने, हमने जो एग्जाम्पल लिया पन्निया बैन करने का, छोटी छोटी प्लास्टिक बैग्स बैन करने का, अब गवर्नमेंट ने वो प्लास्टिक बैग बैन किया तो यार आप एज अ बिजनेस मैन आप ये देख सकते हैं कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं नया बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरा कोई बिजनेस वाला है जो प्लास्टिक की बिजनेस कर रहा है, वो बोलेगा हाय तौबा मैं तो लुट गया बर्बाद हो। काम एक ही चीज एक ही हो रही है बट उसको देखने का नजरिया अलग अलग रहेगा, है ना। तो भाई अगर आप देखें तो इट मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम और थ्रेट्स टू अदर्स, है ना, सेम चीज है। फिर इसके बाद में आता है बेटा इंपॉर्टेंस, हम लोग ने अभी फीचर्स देख लिया, इंपॉर्टेंस देखते हैं। आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसे स्कैन करते हैं कंटिन्यूसली, अगर देखते रहते हैं उसको, अगर आप पढ़ते हैं समझते हैं तो उसका क्या आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा, उसका क्या आपको एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहला है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मतलब, अब देखो यार कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, वो बिजनेस करने के लिए अगर आप पहला जो स्टेप है अगर आप लेते हो तो इट इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, या देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल छोटी कार्स जो रहती है ना, मारुति ने शुरू किया छोटी कार्स बनाना, है ना, छोटी कॉम्पैक्ट कार्स बनाना मारुति ने शुरू किया, तो यार उसको बहुत बेनिफिट मिला। मारुति 800 ऑल्टो आप देखो यार, ऐसा इट इज इम्पॉसिबल कि आपके पहचान में या किसी के पास में ऑल्टो या मारुति 800 नाम रहती है ना। चलो अभी तो भी थोड़ा सा उसका ट्रेंड कम हो गया, बट आज से कुछ टाइम पहले कितनी चली थी यार वो, है ना। तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज पहले अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपके जैसा बिजनेस करने वाला कोई और था ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर आप स्कैन करते हो बिजनेस एनवायरमेंट को कंटिन्यूसली, अगर आप चौकन्ना रहते हो, सतर्क रहते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, आप लोग को जो थ्रेट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी ला दी आपके लिए थ्रेट हो सकती है अगर आपने सही कदम नहीं उठाया। कॉम्पिटिटर क्या पॉलिसीज ले रहा है, कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए थ्रेट बन जाएगा, है ना। तो आप अगर बिजनेस एनवायरमेंट को देखते रहते हैं, उस पर सतर्क रहते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, तो भाई साहब आपको जो थ्रेट्स आने वाले हैं आप उसको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके काउंटर एक्शन आप पहले ले सकते हो। फिर इसके बाद में आता है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो कंटिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं ना, कुछ चेंजेस ऐसे रहते हैं बेटा जो कि आएंगे ही आएंगे, जिसको आप मना नहीं कर सकते। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार चलते हैं, आपको पता है कि भाई साहब ये चेंज आने ही वाला है, है ना, तो आप अपने आप को और अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को आप बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, सारी चीजें स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब बंद है, तो यार अपनी क्लासेस कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। अब देखो आपने भी ये चेंज को अडॉप्ट कर लिया, हमने भी ये चेंज को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। भाई जो चेंजेस आ रहे हैं हम लोग को काफी आसानी होती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो, आपको ये पता है, फॉर एग्जांपल कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया फॉर एग्जांपल मार्केट में, ठीक है, तो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में आप काम कर रहे हैं तो भाई साहब आपका बिजनेस सही चलेगा,
है ना, आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ए बिजनेस। लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होते जाता है अगर आप एनवायरमेंट के अनुसार खुद को ढाल के बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, यार आप लोग को ये पता है, एक छोटी सी एग्जांपल कि भाई आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको अगर ये पता चलता है कि आगे इसमें स्कोप नहीं है या स्कोप कम है तो आप अपने बिजनेस में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाओगे, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो पहले आप क्या करते थे, वो ट्यूबलाइट्स बनाते थे नॉर्मल वाला, बट यार आजकल वो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स को यूज नहीं करते हैं, आजकल जो है आपके वो एलईडी बल्ब्स एलईडी लाइट्स ये ज्यादा चलती है ना, वो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स वगैरह वो थोड़े कम चलते हैं आजकल। तो यार ये सब चीजें जो है आप देखो क्या होता है, आपको ये टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है या गवर्नमेंट जो चेंजेस ला रही है आपके लीगल एनवायरमेंट में, बोलो पॉलिटिकल एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो यू विल कम टू नो कि भाई साहब हम ग्रोथ किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, है ना, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या हो रहा है, आप उसके अनुसार अपने बिजनेस को चेंज करो। फिर आता है मीटिंग कॉम्पिटिशन, अगर आपको ये पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप बिजनेस एनवायरमेंट पे ध्यान देंगे, तो वो उसने अगर कोई चीज लिया, उसने अगर कोई काम किया तो आप भी उसका काउंटर करो। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल गिर जाती है भाई साहब, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, आप लोगों का अमेजोन हो गया, ये सब क्या रहते हैं, वो बिग सेविंग डेज बिग बिलियन डेज और वो कौन कौन सा वो सेल वगैरह आते हैं, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें सब एक साथ आते हैं, सब मोर और लेस सेम तरीके से आपका एड्स वगैरह चलाते हैं वो लोग, सेम आपके जो डिस्काउंट्स रहेंगे वो भी वहीं पे चलेंगे। अब देखो एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कम्पीट करने के लिए दूसरा बंदा भी वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा वो कब कर पाएगा, जब उसे पता रहेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अच्छा उसे कब पता चलेगा कि उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जब वो बिजनेस एनवायरमेंट को देखते रहेगा, चौकन्ना रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है इमेज बिल्डिंग, भाई अब अगर आप चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ में अगर उसके अनुसार काम करते हैं तो आप लोग बिजनेस एनवायरमेंट को एडॉप्ट करके अगर आप काम करते हो, इफ यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ता है, आपका इमेज अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी शॉप्स, है ना, जो कि अब उन्होंने प्लास्टिक बैग्स देना बंद कर दिया, प्लास्टिक स्पून देना बंद कर दिया है, दे प्रोवाइड वुडन स्पून एंड पेपर बैग्स। तो यार हमारे मन में भी एक इज्जत बढ़ जाती है, यार खर्चा कर रहा है बट सही है यार, ऑर्गेनाइजेशन मस्त है, है ना, तो यार इमेज अच्छी होती है। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूस लर्निंग, यार ये मैनेजर के लिए एक टास्क है कि आपका एनवायरनमेंट इतनी सारी चेंजेस ला रहे हैं तो नया चेंजेस लाओ। एक एग्जांपल के तौर पे पहले जीएसटी नहीं था, है ना, जीएसटी तो अभी आया, तो भाई जब जीएसटी आया तो लोगों ने उसको सीखा, मैनेजर्स ने लोगों ने बिजनेस करने वालों ने उसे सीखा, है ना, तो इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें आती है तो वो आपको कंटिन्यूसली क्या करती है बेटा, चेंजेस भी लेकर आती हैं आपके अंदर में, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस, अब देखते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर दी स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं सब है, बट ये है क्या। तो भाई विजन स्टेटमेंट क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर पोजीशन क्या रहेगा, है ना, लॉन्ग टर्म रहता है ये आपका विजन कि भाई आप कहाँ रहना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू बी, है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट क्या है कि आप वो चीज को कैसे अचीव करोगे, देखो विजन में वेयर डू यू वांट टू बी एंड मिशन में आप ये देखते हो कि हाउ विल यू अचीव दैट, इट डिफाइंस द कंपनीज बिजनेस, उसका ऑब्जेक्टिव्स और उसका अप्रोच कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो विजन और मिशन स्टेटमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन को क्या मदद करते हैं, भाई ये मैनेजमेंट की थिंकिंग और उनका जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं, ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज की भाई किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहेगी, आपका किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ये आपको गाइड करता है, मैनेजमेंट की थिंकिंग को गाइड करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करता है, फिर इसके बाद में एम्प्लॉयज जो है उनको गाइड करता है कि उन्होंने कैसे काम करना है, कौन सी चीज, विजन और मिशन स्टेटमेंट। फिर इसके बाद में आता है ये एम्प्लॉयज के डिसीजन को गाइड करता है, राइट,
एंड एक एथिकल बिहेवियर जो है वो बनाकर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक्सटर्नल क्या रहेगा, अब देखो यार अगर आपका विजन सही है, आपका विजन अच्छा है ना, विजन अच्छा है मतलब कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, विजन का मतलब क्या है, वेयर डू यू वॉन्ट टू बी, है ना, आप क्या करना चाहते हैं अपने बिजनेस के साथ में, दैट इज विजन स्टेटमेंट। अब भाई साहब अगर ये आपका क्लियर है तो बाहर के लोग भी आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, इट एनलिस्ट्स एक्सटर्नल सपोर्ट। दूसरा क्या है भाई, एक क्लोजर लिंकेज और बेटर कम्युनिकेशन लेकर आता है कंज्यूमर्स सप्लायर्स ये सब के बीच में, ठीक है, बिजनेस सप्लायर्स कंज्यूमर्स ये सब बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक पब्लिक रिलेशन भी आपका बेहतर होता है ना, लोगों के साथ में पीआर जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन वो भी अच्छा होता है। नाउ देखो विजन स्टेटमेंट क्या है कि भाई साहब आपका बिजनेस कहाँ है और आप कहाँ देखते हैं आने वाले 5-7-10 सालों में, आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं, वो चीज है आपका विजन, है ना, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, दैट इज योर विजन स्टेटमेंट, ठीक है। 3-5-7 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो ये पूछ सकता है, डिज्नी का जो विजन स्टेटमेंट है वो है टू मेक पीपल हैप्पी, ठीक है। सोनी का क्या है, वी इनवाइट न्यू थिंकिंग सो इवन मोर फैंटास्टिक आइडियाज कैन इवॉल्व, वी टेक चांसेस, वी एक्सीड एक्सपेक्टेशन, वी हेल्प ड्रीमर्स ड्रीम। तो ये अलग अलग ICSI का विजन स्टेटमेंट क्या है, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये है आपका वेयर डू यू वांट टू बी, आप कहां देखते हैं अपने आप को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप उसे कैसे अचीव करोगे, है ना, तो हाउ विल यू अचीव आपका विजन, वो आपको बताता है मिशन, ठीक है। अब देखो क्या ध्यान में रखोगे आप मिशन स्टेटमेंट बनाते समय, कि आप आपकी कंपनी करती क्या है, आपका बिजनेस क्या करता है, ठीक है, हु डू यू डू फॉर इट, आप किसके लिए करते हैं, फिर इसके बाद में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कैसे एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, एंड आपका बिजनेस जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ये चीजें ध्यान में रख के आप मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ICSI का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स कैलिब्रेटिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब यार देखो हमको गुड ICSI का क्या है, गुड गवर्नेंस लाना है, वो उसका विजन है। अब वो कैसे लाएगी, तो मिशन क्या है कि हम लोगों में गुड गवर्नेंस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में या बिजनेसेस में गुड गवर्नेंस आएगा। तो हमें क्या करना है, लोगों को डेवलप करना है, ये उसका मिशन है, ठीक है। विजन क्या है, ताकि सब जगह पर गुड गवर्नेंस आए, किसका हो गया, ICSI का, ठीक है। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे, राइट। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट मैंने आपको बोला था, बेसिकली अगर आप देखें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट है। इंटरनल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जो कि आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता है, राइट। दो टाइप के हैं, है ना, इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो एनवायरमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा बेटे, वो एनवायरनमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक मिनट मैं बस देख लूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ भाई साहब, मैं तो मुझे लगा ये रिकॉर्ड, ओहो एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ जी अब सही है, हाँ। तो भाई साहब एनवायरनमेंट जो है वो हमने देखा दो टाइप के हैं, एक तो है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो और एनवायरनमेंट जो कि आपके कंट्रोल में है उसे हम इंटरनल कहेंगे, वो एनवायरनमेंट जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, है ना, विच हैज विच द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल, उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब आपको ध्यान किस पे देना है, ध्यान वो एनवायरनमेंट पे देना है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। चलो बट फिर भी हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट देख लेते हैं क्या है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो आपके कंट्रोल में है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इट कंटेन्स दी ओनर ऑफ द बिजनेस, शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉन मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये सारी चीजें आप
कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए एमसीक्यू पूछ सकता है बेटा, इट इंक्लूड सिक्स एम्स, ये एम्स ध्यान रखेंगे, मैन मनी मार्केटिंग रिसोर्सेज मशीनरी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर और मिसलेनियस, सिक्स एम्स। अब ये एमसीक्यू पूछ सकता है, आपको ऐसा पूछ लेगा कि भाई इनमें से कौन सा सिक्स एम में इंक्लूड नहीं होता, या इनमें से कौन सा सिक्स एम में इंक्लूड होता है, है ना, इस टाइप के एमसीक्यूज आपको पूछ लेगा। अब कौन कौन सा है बेटा, तो ये सारी चीजें, मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज, मशीनरी हो गया जैसे फिजिकल एसेट्स वगैरह हो गई, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर और मिसलेनियस फैक्टर्स। अब एक एक चीज मैं आप लोग को ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो यार, मैन ये जरूरी क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में लोग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के या बिना ह्यूमन रिसोर्स के काम नहीं कर सकता, उसके लिए लोग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। भले ही आप फुली ऑटोमेटेड क्यों ना करो, बट यार वो मशीन्स को देखने के लिए एक दो लोग तो लगेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, बराबर। फिर इसके बाद में आता है आपका मनी, कोई भी काम करना है आपको, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन अगर लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको क्या लगेगा, पैसा लगेगा भाई साहब, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होगा, तो यू विल रिक्वायर फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मार्केटिंग रिसोर्सेज। अब देखिए, मार्केटिंग ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आपको अपना राइट फ्रॉम मतलब प्रोडक्ट बनाने के पहले से लेकर तो प्रोडक्ट बेचने के बाद तक की सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग में आती है, तो मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे आप लोगों को आगे जाना है, ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगा, है ना। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मार्केटिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पीआर अच्छा रहे, पब्लिक रिसोर्सेस, ठीक है, जो आपके है ना लोगों के साथ में पब्लिक रिलेशन अच्छे रहे। अब यार इसके लिए अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो आप लोगों को उसके साथ में मीडिया के साथ में भी जो रिलेशन है वो अच्छा रखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मीडिया के साथ में अनबन हो गई या कुछ रहा तो भाई साहब वहां पे मीडिया वाले, आपको तो पता ही आजकल न्यूज देख ही रहे हैं आप लोग, है ना, तो नेशन वॉन्ट्स टू नो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो सकती है बेटा अगर आप लोग चीजें बराबर नहीं रखते हैं लोगों के साथ में, मीडिया में अगर आपका पॉजिटिव इमेज नहीं रहता है तो भाई हो जाएगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बंद करो ऐसा हो जाएगा फिर आपका। तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द मीडिया पर्सनल्स ऑल्सो, है ना। तो मार्केटिंग में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, वो कहावत सुनिए ना, जो दिखता है वो बिकता है। फिर आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किसके पास में है, उनकी सोच क्या है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को असर करती है। एंड मिसलेनियस फैक्टर्स में क्या आता है बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो यार, R&D जब तक आप नहीं करोगे ना अपने प्रोडक्ट का, तब तक वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं होने वाला, है ना। इफ यू वांट टू डेवलप योर प्रोडक्ट, यू हैव टू डू रिसर्च एंड देन डेवलप द प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स पहले कैसे आते थे बेटा, वो डब्बे वाले फोन आते थे जिसमें 1, 2, 3, 4 नंबर्स और थोड़ी सी बेसिक बटन्स रहती थी। फिर उसके बाद में थोड़े अलग फोन आए, वो कम्युनिकेटर टाइप के जो खुलते थे, है ना। फिर नोकिया के फोन आए, ऐसे फोन थे बेटा वो नोकिया के कि आप उसको फेंक दो, है ना। हम दोस्त लोग जो है बेटा, हम लोग कैच खेलते थे, गुस्सा तो फोन ही फेंक के मार देते थे, फोन अगर जेब से गिर गया तो उठा के वापस जोड़ देते थे, ये सब काम करते थे यार। मतलब ऐसा टेंशन नहीं होता था, टेंशन क्या रहता था पता है, पहले अगर हम लोग का फोन गिरता था ना, नोकिया 3310 वगैरह आप गूगल करके देखना, नोकिया 3310 3310 बेटा, वो फोन अगर गिरा तो फोन टूटने का टेंशन नहीं रहता था। टेंशन क्या रहता था यार, कोई उसका जो पार्ट है ना, बॉडी का पार्ट, वो घूमना चाहे ना, तो फिर नई बॉडी खरीदना पड़ता था 100-150 रुपए की, नई बॉडी यहाँ 100-150 रुपए की, तो डुप्लीकेट। तो ये टेंशन रहता था भाई साहब, राइट। अब यार, अब फोन कौन से, टच स्क्रीन फोन्स, फंक्शंस दुनिया भर के है, बट पहले गिरा तो दिल ऐसा एक जो बीट है ना वो स्किप कर देता, क्यों ऐसा भाई, बाकी सब चीजें बाद में, स्क्रीन तो नहीं गई, मोबाइल तो नहीं गया, पहले वो देखते अपन। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, क्यों डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने उसमें रिसर्च किया, आप लोगों ने क्या किया बेटा, वो मोबाइल फोन्स पे या कोई भी चीज में रिसर्च किया, तब जाके डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो। फिर इसके बाद में था कंपनी का इमेज, है ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि भाई लोगों का आपका इमेज क्या है, ब्रांड बिल्डिंग अगर आपको करना है तो आपको आपके इमेज पे भी काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ में PR आपका अच्छा रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है ब्रांड इक्विटी, मतलब वही, अगर इमेज अच्छा रहा तो ब्रांड इक्विटी भी आ जाती है। फिर वैल्यू सिस्टम कि भाई आपके क्या वैल्यूज है, हाउ डू यू वर्क, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखो ये कौन सेट करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही सेट करेंगे, है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चीज टॉप मैनेजमेंट ये बोलते कि हमारे लिए फलाना चीज सही है, आपने काम उसी तरीके से करना है,
तो वो सबके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू सिस्टम देखना है एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। भाई साहब आप लोगों को बाकी सारे लोगों के साथ में भी एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रखना पड़ेगा। अब वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कब आएगा, वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तब आएगा जब आप लोग इंटरनल एनवायरनमेंट को सही तरीके से कंट्रोल में रख के चलते हैं, ठीक है। उसको अगर ये इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आपके कंट्रोल में है तो भाई आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, एक्सटर्नल पे देना है। अब अगर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में ही रायता फैला हुआ है तो भाई आप इंटरनल भी संभालो, एक्सटर्नल भी संभालो, घर वाली भी संभालो, बाहर वाली भी संभालो, मुश्किल हो जाएगा। तो भाई साहब आप इंटरनल जो है वो तो सही रखो, फिर बाद में आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ब्रीफ में देख ली है, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, आप लोग नोट्स में से एक बार ग्लांस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। मार्केटिंग रिसोर्सेज देख लिया हम लोगों ने, फिजिकल असेट्स देख लिया, मशीनरी वगैरह, मशीनरी लगती है भाई साहब आप लोगों को अगर काम करना है, यू विल रिक्वायर मशीनरी, बिना मशीनरी के आप काम कर ही नहीं सकते। और अगर आपके पास में अच्छी मशीनरी है इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बराबर। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये भी हम लोगों ने देख लिया, मिसलेनियस में देख लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखा, कंपनी का ब्रांड इमेज, वैल्यू सिस्टम देखा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देखा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब काफी आसान था, सिक्स सेम्स। अब हम देखते हैं बेटा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ये वो सारी एक्टिविटीज हैं या वो सारे चीजें हैं बेटा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, बट ये बहुत इंपैक्ट करती हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में दो टाइप के एनवायरमेंट आते हैं, एक तो है माइक्रो एनवायरमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी तुरंत इफेक्ट करे, एकदम विसिनिटी में है ऑर्गेनाइजेशन के, और मैक्रो एनवायरमेंट ये जनरली सबको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ये वो सारी एंटिटीज या वो सारे चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करती है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल जो है ना, आपका कंट्रोल नहीं है बट उनका इफेक्ट आपके ऊपर जरूर आता है। अब ये दो टाइप के हैं, माइक्रो और मैक्रो। बेटा माइक्रो को ही ऑपरेटिंग एनवायरमेंट कहते हैं और मैक्रो को जनरल एनवायरमेंट कहते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। माइक्रो को ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और मैक्रो को जनरल एनवायरमेंट ये कहते हैं, ये पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब माइक्रो एनवायरमेंट क्या है, इसी को आप टास्क एनवायरमेंट भी कहते हैं या ऑपरेटिंग एनवायरमेंट भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये माइक्रो एनवायरमेंट जो है ना बेटा, ऑल्दो दीज आर एक्सटर्नल, ये थोड़े से एक्सटर्नल रहते हैं, दे स्टिल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। भाई इनका भी अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। माइक्रो एनवायरमेंट जो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, मैक्रो वो आपके जैसे सभी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड कंपनीज इमीडिएट एनवायरमेंट, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको इफेक्ट करेंगी, एकदम तुरंत फटाक से आपको इफेक्ट करेगी, ठीक है। दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी। माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स आर मोर इमीडिएटली लिंक्ड विद कंपनी का परफॉर्मेंस। भाई मैक्रो थोड़ा समय से इफेक्ट करेगा बट सबको इफेक्ट करेगा, माइक्रो जना तुरंत इफेक्ट करेगा और आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, सीधा देखते हैं बेटा क्या क्या आता है इसमें। तो भाई कस्टमर्स, अब सोचो यार आपके कस्टमर्स अगर और लोगों को लेकर आते हैं, आप खुश हैं है ना, आपके कस्टमर्स आपसे खुश हैं, तो भाई आपके कस्टमर्स अगर और लोगों को लेकर आते हैं तो क्या आपको असर पड़ेगा, यस। अच्छा आपके कस्टमर्स अगर नाराज हैं तो भाई आपके कस्टमर्स गए तो आप भी गए है ना। तो आपके कस्टमर्स कब खुश रहेंगे बेटा, जब आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तब उन वो लोग खुश रहेंगे है ना, बट अगर आप उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो वो लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो कस्टमर्स ये आपके माइक्रो एनवायरमेंट में आएंगे। अच्छा कैन यू कंट्रोल योर कस्टमर्स, नो यू कैन नॉट कंट्रोल योर कस्टमर्स, ठीक है। आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, माइक्रो एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कस्टमर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बट यू कैन नॉट कंट्रोल देम, इसीलिए एक्सटर्नल में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पता है एम्प्लॉयज, अब यार एम्प्लॉयज को देखो आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऊपर देखा था एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, सर वहां पे भी ये लोग आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, यस। बट यहाँ पे अगर आप टेक्निकली एम्प्लॉयज को देखें तो एम्प्लॉयज को यार आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो क्या, उठ बोला तो उठ, बैठ बोला तो बैठ, नहीं। आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्योंकि ज्यादा आपने परेशान किया, वो बोलेंगे चल मैं नहीं करता नौकरी। आप उनको क्या कर सकते हो बेटा, आप उनको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो क्योंकि भाई एम्प्लॉयज जो है ना ये
पूरे आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका खुद का भी एक दिमाग है, खुद का भी एक तरीका है काम करने का जो भी। तो यार एम्प्लॉयज दे ऑल्सो अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर्स, जाहिर सी बात है यार, आप लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग को सप्लायर्स लगेंगे, कुछ कुछ भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सप्लायर्स लगेंगे, ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है भाई? जो कि आपकी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं। अब ये कैसे आपकी कंपनी को अफेक्ट करेंगे? अरे सीधी बात है ना यार, इनके पास में वोटिंग पावर रहेगा। इनके पास में क्या रहेगा? वोटिंग पावर्स रहेंगे। अब वोटिंग पावर इनके पास में तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर सी बात है अफेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। फिर आता है मीडिया, है ना। सी मीडिया, इट कैन ब्रेक योर ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन मेक योर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, अगर मीडिया आपके फेवर में है, पॉजिटिव है मीडिया आपको लेकर, तो आपसे थोड़ा कुछ 19-20 हो गया तो वो आपको नेगेटिव नहीं दिखाएगी, वो पॉजिटिव दिखाएगी, है ना, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पॉजिटिव दिखाएगी। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, टाटा ग्रुप, है ना, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, पतंजलि हो गया, ये सब पॉजिटिव बुक्स में, गुड बुक्स में मीडिया के। तो यार वो कुछ भी करे वो अच्छे बताते हैं ना। रामदेव बाबा भी अगर कुछ लेकर आए तो रामदेव बाबा का पॉजिटिव ही दिखाया जाएगा, है ना। मैं इनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, बट अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीडिया के गुड बुक्स में नहीं है, वो नेगेटिव मतलब बैड बुक्स में, तो भाई साहब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मीडिया तो आपकी बेटा वो कहते हैं ना बैंड बजा देगा, है ना, बंद करो इसे, बंद करो ऐसा कह देगा मीडिया। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, फिर आता है कॉम्पिटिटर्स। जाहिर सी बात है भाई, कॉम्पिटिटर्स आपके कॉम्पिटिटर्स आपको इफेक्ट करेंगे, बाजू वाले को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी एक्सटर्नल में आते हैं। ठीक है, तो वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, क्या प्राइस पे बेच रहे हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, उसका क्या यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका क्या है, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप भी वो यूनिक सेलिंग पॉइंट रखें या कुछ ऐसा अपने इसमें रखें जो कि आपको अपने प्रोडक्ट को आप क्या कर सके, बाकी लोगों से अलग कर सके। तो कॉम्पिटिटर्स को भी आप पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, इसे हम जनरल एनवायरमेंट या फिर रिमोट एनवायरमेंट भी कहते हैं। मैक्रो एनवायरमेंट को हम जनरल एनवायरमेंट या रिमोट एनवायरमेंट भी कहते हैं। अब ये जो है ना बेटा, ये आपके कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, देखो माइक्रो को आप कुछ हद तक इन्फ्लुएंस तो कर पाओगे, कंट्रोल में तो नहीं था, है ना, बट मैक्रो को तो ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस तो छोड़ो मतलब कंट्रोल तो छोड़ ही दो, इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्रो जो है ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, तो बेटा इसका एक एक्रोनिम याद रखना, स्टीप, STEEP, ये भी अगेन आप लोग को पूछ सकता है MCQs में, स्टीप। अब ये क्या है बेटा, ये आपका इंटरेस्ट बताता है ना, ये क्या बोलता है, सोशो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब भाई जाहिर सी बात है, किसी का जो आपका सोशल आपका ये है, कल्चरल जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे सोसाइटी की क्या सोच है, वहाँ पे क्या कल्चर है, उनका क्या ट्रेडिशन है, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा, है ना। अब यार देखो, अगर आप साउथ साइड में कहीं जाते हैं तो लुंगी जो है इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस, बट वो बहुत ही एक मतलब एक माना हुआ वहाँ पे ड्रेस है। यहाँ पे नॉर्थ वगैरह में क्या होता है कि लुंगी को आप घर भर में पहन के रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट साउथ में इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। आप शादियों में, त्यौहार में, है ना, जो आपके रिलीजियस फंक्शंस रहते हैं, इवन ऑफिसेज में भी लोग लुंगी पहनते हैं, इट इज़ नॉर्मल, है ना, वो वहाँ का पार्ट है, वहाँ का कल्चर का, वहाँ का सोसाइटी का वो पार्ट है, है ना। डेमोग्राफी मतलब आपका जियोग्राफी कैसा है भाई, है ना, डेमोग्राफिक जो है उसमें क्या क्या आपके, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। फिर इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल, एक एक चलो देखते हुए चलते हैं हम लोग, सोशो कल्चरल एंड डेमोग्राफीज भाई, सोसाइटल वैल्यूज और लाइफस्टाइल जो है ना वो भी चेंज होती है और आपके बिजनेस को भी अफेक्ट करती है बहुत जोर से। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, अब क्या होता है, लोगों का सोच, उनकी सोसाइटी का जो चीज है, जो चलन है, वो किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। अब देखो सीधी सी बात है, आजकल जो है ना लड़के लड़कियों को थोड़ा पहले से ज्यादा थोड़ा सा फ्रीडम मिला है, बच्चों को, है ना, भले वो लड़का हो या लड़की हो, तो दे कैन गो आउट, है ना, वो लोग जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना वाना खा सकते हैं, दोस्तों के साथ में आउटिंग कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग का बर्थडे पार्टीज कैसी होती थी बेटा, हम लोग की बर्थडे पार्टीज होती थी कि थोड़ा सा पैसा मिल गया, दोस्तों को आइसक्रीम खिला दिया, वापस आ गए, ओ एंजॉयड, है ना, दैट वाज आवर बर्थडे पार्टी। बट आजकल दोस्तों को अगर आप देखें तो यू गाइस गो टू अ प्रॉपर क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट और क्लब वगैरह आप लोग जाते हैं, वहाँ पे आप लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा चीज था भी नहीं, है ना, पहले ना ही इतने क्लब्स हुआ करते थे, ना ही इतने रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, ना ही ऐसे कैफे हुआ करते थे। अब लोगों का कल्चर चेंज हुआ, लोगों की सोसाइटी की वैल्यूज चेंज हुई, लोगों का रहने का तरीका चेंज हुआ, तो भाई ये लोग चेंज हो रहे हैं, इसीलिए आपके बिजनेस पे भी फर्क पड़ रहा है।
है ना। अब देखो यार, आपका चेंज इन कल्चर एंड लाइफस्टाइल वो क्यों आ रहा है? बिकॉज भाई मेडिकल जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, साइंस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, लोग जो है उनको समझ में आ रहा है कि भाई स्मोकिंग इज नॉट गुड, है ना, डूइंग ड्रग्स इज नॉट गुड, हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं लोग, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रीन गैस एमिशन पे काम ध्यान दे रहे हैं, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लोग जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वुमेन वर्कफोर्स भी आपका बढ़ रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी, भाई लोगों का प्रेफरेंस अलग अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज जो हैं, भाई आप लोगों का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो गया, अवॉइडिंग यूजिंग प्लास्टिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, सोशो कल्चरल एंड डेमोग्राफीज में आप लोगों का चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या सोशो कल्चरल, अब डेमोग्राफीज में क्या क्या आएगा भाई साहब, कि भाई आप लोगों का ट्रेडिशन वगैरह कैसे चेंज हो रहा है, लिटरेसी रेट में चेंज आ रहा है, फैमिली कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस पर भी असर करता है। देखो पहले क्या होता था, पहले एक ही जॉइंट फैमिली रहती थी, तो एक ही जॉइंट फैमिली में एक ही मिक्सी रहेगी बिकॉज एक किचन है। अब यार वो चार भाई अलग हो गए तो चार किचन बन गए, तो चार मिक्सी बिक रही है ना, तो भाई ये देखो बिजनेस में भी फर्क पड़ता है ना। डेमोग्राफीज मतलब आपका जो पॉपुलेशन वो किस तरीके से बटा हुआ है, कहाँ पे है ना, और वो पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो हो रहा है, तो ये भी आपके बिजनेस को असर करता है। देखो अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, अगर कम पॉपुलस एरिया तो वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम रहेगी, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, भाई जाहिर सी बात है आप लोगों की टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से चेंजेस आएंगे वो आपके बिजनेस को भी असर करेगा, बट यू कैन नॉट स्टॉप द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज होती है, अब जैसे आजकल AI जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस में वो काफ़ी यूज हो रहा है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज हो रहे हैं, मशीनरीज यूज हो रही है, ऑटोमेशन ज़्यादा आ रहा है बिजनेस में, तो यू कैन नॉट स्टॉप द टेक्नोलॉजी या उसका एवोल्यूशन, तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, भाई साहब आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपके देश में क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। देखो अगर इकोनॉमी बूम पे है, मतलब सब लोग, जब इकोनॉमी क्या है बेटा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगर है और इकोनॉमी अगर बूम पे है, इसका मतलब सबके पास में पैसा है, सब लोग खर्च करने के लिए तैयार है, बराबर। बट वहीं पे अगर इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है, तो लोगों के पास में पैसा नहीं रहेगा, बिजनेस के पास में भी पैसा नहीं रहेगा, तो लोग खर्च नहीं करेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं बिकेंगी, चीज़ें नहीं बिकेंगी तो फिर वो बिजनेस नहीं चलेगा, तो इट बिकम्स अ साइकिल। अगर लोगों के पास में पैसा है तो दे विल स्पेंड, है ना, इकोनॉमी बूम पे जाएगी, अगर लोगों के पास में पैसा नहीं है तो दे विल नॉट स्पेंड, इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी, सिंपल, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। फिर इसके बाद में अगर आप देखें इकोनॉमिक कंडीशंस में और भी चीज़ें आती हैं कि भाई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, फिर आपका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, है ना, भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी में आप काम करते हो, राइट। फिर इसके बाद में आता है इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरमेंट, सीधी सी बात है यार, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप अगर एकदम पहाड़ में जंगल में जाके काम कर रहे हो तो यार वहाँ पे आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज वेरी इजीली। जंगल में काम कर रहे कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ पे काम कर रहे भाई वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, है ना। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है वो भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि आपका कनेक्टिविटी कैसा है, आप लोगों का लोकेशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आपके फेवर में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, भाई साहब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें, है ना, तो यार देखो जब जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत सही हो जाता है ना, और लीगल मतलब जो जो कानून बनते हैं तो उस पर भी ऑर्गेनाइजेशन का काम डिपेंड करता है। इमेजिन करो अगर आप लोग प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया प्लास्टिक के ग्लासेस, पतली पन्नियां, ये सब तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने लीगल एनवायरनमेंट में चेंज लाया है, तो भाई साहब आप कैसे काम करोगे, आप आपको चेंजेस लाना पड़ेगा अपने बिजनेस करने के तरीके में, तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया बेटा एनवायरनमेंट, कौन कौन सा एनवायरनमेंट देखा, देखो एनवायरनमेंट दो टाइप के हैं, एक है इंटरनल दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में आप लोगों ने देखा 6 M's थे वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में हम लोगों ने देखा इंटरनल और दूसरा देखा एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने देखा 6 M's, ठीक है। एक्सटर्नल में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, दो देखे, एक तो हम लोगों ने देखा माइक्रो और दूसरा देखा मैक्रो।
ठीक है, मैक्रो में कौन सा देखा, स्टीप, ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली आप लोग को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में ध्यान से देखना, बहुत इजी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये आई थी इन द ईयर 1991, है ना, हमारे उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब तीन चीजें हुई थी बेटा, है ना, आपके यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, और तीन चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG कहते हैं इसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आई एम वेरी श्योर काफी लोगों ने पढ़ा होगा, बट ठीक है, वापस देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था बेटा, 1991 के पहले, बिफोर लिबरलाइजेशन, जो भी आपको काम करना होता था उसके लिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, एंड काम करना काफी डिफिकल्ट होता था, ठीक है। कोई भी काम करना है तो परमिशन लो, कोई भी काम आपको बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, परमिशन लो, लाइसेंस लो, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन दो, ये बहुत स्ट्रिक्ट था यार। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जाहिर सी बात है इतने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में कोई काम करना नहीं चाहेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इतने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट को थोड़ा सा ईज आउट कर दिया, है ना। तो हर चीज के लिए जो पहले इतने सारे लाइसेंस 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 परमिशन 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 लगती थी, गवर्नमेंट ने उसको भी कम कर दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब आपको इतनी ज्यादा परमिशंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जो लाइसेंस के रिक्वायरमेंट्स थी वो कम कर दिया, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से लेवल पे काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, छोटा बिजनेस करना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या प्राइस पे गुड्स बेचना है, आप खुद ये देखो भाई कैसे बिजनेस करना है, आप लोग के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था वो काफी आसान कर दिया, टैक्स रेट्स कम कर दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, और अगर आप लोगों को फॉरेन से पैसा लेकर आना है, टेक्नोलॉजी लेकर आना है, तो उसका भी प्रोसीजर काफी आसान कर दिया। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने की किसमें बेटा, लिबरलाइजेशन में। मैं वापस बताता हूँ क्या क्या किया बेटा गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस का पहले रिक्वायरमेंट था वो कम कर दिया, हटा दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो स्केल है, कौन से स्केल पे, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, आपको जो बिजनेस करना है आप डिसाइड करो, आप खुद फ्री हो प्राइस डिसाइड करने के लिए, ठीक है। आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है वो काफी आसान कर दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स रेट्स कम कर दिए, और आप लोगों का जो फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी लाने का जो जो तरीका था या जो जरिया था वो पॉलिसीज काफी इजी कर दी। तो इसी को कहा जाता है बेटा कि जो लाइसेंस राज था पहले वो हटा दिया गया, एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस राज, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में आता है बेटा लिबरलाइजेशन में इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, वो काफी उसके इंटरेक्शंस बढ़ गए दूसरे लोगों के साथ में, बिकॉज बाहर के लोग भी आने लग गए, दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेसेस एंड ऑल इन इंडिया, ठीक है। दिस हैज रिजल्टेड इन ईजी एंट्री ऑफ फॉरिन बिजनेसेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, है ना। पहले जो लोग कतराते थे कि हम इंडिया में नहीं आएंगे, यार अब एप्पल का प्रोडक्शन इतना हो रहा है इंडिया में, एप्पल मतलब वो खाने वाला एप्पल नहीं रहे, फोन वाला एप्पल, ठीक है, एप्पल फोन्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, क्यों भाई, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको वैसे फैसिलिटी दी है, फैसिलिटी नहीं तो हमने कम से कम उनको वैसा एनवायरमेंट दिया है कि आपके लिए फेवरेबल है, आप आओ और काम करो, इसीलिए, है ना भाई। अगर ये एलपीजी नहीं रहता ना, लिबरलाइजेशन नहीं रहता, तो वो लोग नहीं आते थे, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप देखिए बेटा, तो प्राइवेटाइजेशन, नाउ व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, सीधी सी बात है यार, पहले जो है ना सारा काम गवर्नमेंट करती थी, पहले सारा काम 1991 के पहले सब काम गवर्नमेंट के पास में था, मतलब अगर आप देखें तो टेलीफोन सेक्टर में गवर्नमेंट, है ना, ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया में गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में मेजरली गवर्नमेंट। एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ये आइडिया, जियो, वोडाफोन ये सब नहीं होते थे बेटा, है ना, एयरटेल ये सब नहीं था, पहले क्या था, BSNL, आज भी है BSNL बट हार्डली कोई यूज करता है, बट पहले सिर्फ और सिर्फ BSNL, फिर उसके बाद में थोड़ा बाद में एक कंपनी आई थी MTNL करके, है ना, तो यही लैंडलाइन हुआ करती थी बेटा, ये सब तो बाद में आए, चिल्डर लो, ठीक है, अभी बहुत बड़े हो गए बट बाद में आए। अच्छा, दूसरा, पहले जो टीवी पे चैनल्स भी आते थे वो कौन से आते थे, DD News, DD1, DD2, है ना, ये सब दूरदर्शन, हम श्योर आप लोगों ने शायद वो देखा नहीं होगा, बट पहले यही आता था, संडे टू संडे रामायण, महाभारत, शक्तिमान, ये सब देखते थे। बट अब अगर आप देखें तो कितने चैनल्स आ गए, है ना, आप लोगों का क्या कहते हैं, कार्टून नेटवर्क है, निकलोड, कार्टून्स के अगर आप देखें बेटा तो 5-6 तो सिर्फ कार्टून के चैनल्स हैं यार, 24 घंटे कार्टून चलते हैं, है ना, सब टीवी एंटरटेनमेंट्स के चैनल्स आ गए, म्यूजिक के अलग अलग चैनल है, सब चीज़, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन टीवी,
Why? Because of privatization. Simple सी बात है, ठीक है। तो privatization में government ने क्या किया, अब government के साथ problem ही हो रही थी कि भाई पहले पहले लोग जो है ना private sector जो है वो कोई आगे नहीं आ रहा था, तो government ने बोला मैं ही करूँगी सब काम। अब government जो है वो organization चलाने के लिए नहीं है, government बनाई जाती है देश चलाने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट इतने सारे काम नहीं कर सकती है बराबर, है ना। पहले 21 सेक्टर्स थे पास में, फिर कम करके 17 किए, फिर और कम करके 3 किए, फिर अब तो और कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो भाई साहब जो गवर्नमेंट है उसने बोला यार मैं इतना सारा नहीं संभाल सकती हूँ, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लॉस मेकिंग हो रहे थे, ना ही वहाँ पे काम बराबर हो रहा था, ना ही वहाँ पे मैनेजमेंट बराबर हो रहा था, है ना, फालतू में गवर्नमेंट का पैसा भी जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला मैं ये बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को दे देती हूँ, ठीक है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर के पास में जाता है तो जाहिर सी बात है, आप देखो अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने बनाया, बट दिस इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर को दिया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कौन आएगा, आप मैं जैसे लोग। अब यार हम लोग के पास में जब ये ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग गवर्नमेंट को पैसा देंगे ये ऑर्गेनाइजेशन लेने के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट के पास में फंड्स आ गए, ठीक है, ये एक फायदा हुआ। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, ये दूसरा फायदा हुआ। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ बेटा, कि ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ये बेहतर हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन जो पहले लॉस मेकिंग था अब वो प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये फायदे तीनों को हुए। तो ये जो काम किया गवर्नमेंट ने कि अपना ओनरशिप कम किया और आपका जो प्राइवेट सेक्टर का जो ओनरशिप है वो बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाए, प्राइवेट सेक्टर के पास में भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस मेकिंग थे वो भी अभी फायदा कमाए, है ना, वो भी अभी मुनाफा कमाए, लोगों का इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे, ये सब काम के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन लाया। सिंपल भाषा में अपनी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर किया, किसको बेटा, ओनरशिप और मैनेजमेंट को ट्रांसफर किया प्राइवेट सेक्टर को कुछ पैसे के बदले में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब क्यों किया, ताकि आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए, उनका फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर से कम हो जाए, है ना, फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए। टू इंक्रीज द साइज एंड डायनामिज्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर, भाई प्राइवेट सेक्टर जो पहले बहुत सीमित जगहों पे काम कर रहा था, अब सब जगह पे आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर दिखेगा, ओनरशिप जो है वो बढ़ जाएगी। टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है या उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करना स्टेट के लिए, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन दिया तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, तो इस तरीके से रेवेन्यू आएगा आपके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा, फिर इसके बाद में आप लोगों का जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया, एक सबसे पहला तरीका है बेटा, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, डिवेस्टिचर। डिवेस्टिचर का मतलब क्या होता है, या प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप, डिवेस्टिचर या प्राइवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप, ये कैसे करते हैं, थ्रू सेल ऑफ इक्विटी, है ना। आप क्या करते हैं, आप इक्विटी का जो इक्विटी ओनरशिप है आपके पास में वो आप लोगों को बेच देते हैं। अब इसमें आप क्या करते हैं, या तो पार्शियल बेचते हैं या तो पूरा जो इन्वेस्टमेंट है आपका एक असेट में उसको आप बेच देते हैं, ठीक है, ऑफ एन असेट और थ्रू सेल, एक्सचेंज और क्लोजर और बैंकरप्सी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन या रीप्राइवेटाइजेशन। आपके पास में था तो सेंट्रलाइज कंट्रोल था, गवर्नमेंट के पास में था तो क्या हुआ बेटा, सेंट्रलाइज कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वो पूरा का पूरा वापस से प्राइवेटाइज कर दिया, इसलिए वो रीप्राइवेटाइजेशन बोले, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें की कुछ जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है करने के लिए, गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ काम करने के लिए। फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि आपको अथॉरिटी दे देती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप करो, प्राइवेट सेक्टर को वो अथॉरिटी दे देती है। ऑथोराइजिंग द डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज इन डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरियाज, है ना, जैसे यूटिलिटी हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ों का फ्रेंचाइज जो है वो गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा वो चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट वो पूरा का पूरा जो सर्विस है वही विदड्रॉ कर ले रही है, मतलब पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट देती थी तो वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब वो बनाना बंद कर देगी धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देगी तो वहाँ पर कौन बढ़ेगा बेटा, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा।
फिर मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशन का या वो चीज़ का मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। लिक्विडेशन, भाई लिक्विडेशन जो है वो आप क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है फॉर्मल लिक्विडेशन, इसमें क्या होता है आप ऑर्गेनाइजेशन को बंद करते हैं और उसके असेट्स को बेच देते हैं। इनफॉर्मल और लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस तो रहता है बराबर, बट उसके कुछ ऑपरेशंस जो है वो खत्म कर देते हैं। वो कुछ मतलब पहले 5 काम करता था ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी सिर्फ 1 या 2 और काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप इनफॉर्मल लिक्विडेशन में से कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहता है। तो ये तरीके हैं, इसे भी आप ध्यान देंगे बेटा ये क्या बोल रहा है, है ना, कौन कौन से तरीके हैं। एक बार फटाक से मैं बता दूं वापस से, डिवेस्टिचर हम लोगों ने देखा, मतलब आप इक्विटी जो है वो बेच देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन या रीप्राइवेटाइजेशन, मतलब जो पहले गवर्नमेंट के पास में था अब वो उसका आप ट्रांसफर कर दे रहे हो किसके पास में, जो ओनरशिप और कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, फ्रेंचाइजिंग पे दे सकते हो, प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो, किसका बेटा, मैनेजमेंट का। गवर्नमेंट जो पूरा विड्रॉ कर सकती है वो चीज़ बनाने से, अभी रोक सकती है खुद को, या फिर लिक्विडेशन भी कर सकती है। ये तरीके हैं किसके बेटा, प्राइवेटाइजेशन के। फिर इससे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है भाई, हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, आप लोगों का जो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से यूज हो जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन जो है बेटा वो आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन गवर्नमेंट के पास से कम कर देगा, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जो एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, है ना। अब इससे क्या हुआ, फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास देती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा, बेहतर मैनेजमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। अब एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। नाउ प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, वो वर्कर्स और कॉमन मैन का जो इंटरेस्ट है या उसका जो क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स है वो भी बढ़ाता है, वर्कफोर्स भी बढ़ाता है, ओनरशिप भी बढ़ाता है प्राइवेट सेक्टर में। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज 1991 में आप लोगों का प्राइवेटाइजेशन आया था, बट इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी थे, कुछ प्रॉब्लम भी थे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टिव कॉम्पिटिशन इन रिजर्व एरियाज। भाई कुछ कुछ जगह पे क्या करना था, हम लोग को ये ध्यान देना था कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाथ से ना निकल जाए, है ना, रिजर्व एरियाज में ही कॉम्पिटिशन रहे। फिर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस इन ऑर्डर टू रेज रिसोर्सेज एंड एनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड वर्कर्स इन ओनरशिप इन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस में लोगों का ओनरशिप आए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना था गवर्नमेंट को कि यार हम लोग जो है हम लोग कम तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं वो बंद करके बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ भी, पब्लिक का ओनरशिप आना चाहिए, लोग बढ़ना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, राइट, क्योंकि देखो यार प्राइवेट सेक्टर के पास में ऑर्गेनाइजेशन जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा हम क्यों दे रहे हैं आपको, ताकि बेहतर हो, बेटरमेंट के लिए दे रहे हैं, खराब करने थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को लिबरलाइजेशन के बाद में ही पॉसिबल हुई, ठीक है। और ये सब काम आप लोगों ने क्यों किया, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को दे दे और उसमें कुछ ऑटोनॉमी लाए, गवर्नमेंट अपने काम पर ध्यान दे सके, देश चलाने के काम पर, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत सिंपल, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि भाई पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे अपने देश के लोगों को बाहर जाके बिजनेस करने में, और बाहर के लोग जो वो अपने आप भी आके इतने इजीली बिजनेस नहीं कर पाते थे, है ना। क्यों यार, भाई पहले लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरा चूज कर चली गई, अब भाई साहब वापस से अगर अपन ने वो कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो किया कि भाई साहब पहले लोग डरते थे, बट फिर वापस ग्लोबलाइजेशन किया कि अब आप करो बिजनेस, छूट दे दी, आप जाओ बाहर करो, बाहर के लोगों को बोल दिया इंडिया में आओ ग्रो करो, बिजनेस करो। अब इन्होंने कंसेप्ट लाया द वर्ल्ड इज अ विलेज, पूरी दुनिया जो है वही एक पूरा एक विलेज है, आप कहीं पर भी कुछ भी बेचो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्यों आप लोगों ने किया, तो बेसिक सिंपल से कुछ रीजंस है, ये आप लोग आराम से ग्लांस कर सकते हैं, ठीक है। नए मार्केट्स आप लोगों के आए, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, ये कुछ रीजंस हैं जो कि आप लोगों का क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन आप लोगों ने किया है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग, मैं एक मिनट का पानी का ब्रेक ले लेता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू करते हैं किसका बेटा, आप लोगों का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई जस्ट टेक अ ब्रेक, पानी भी लेते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई साहब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, है ना।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बेटा, वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब देखो यार, बिजनेस तो करना है ना, बिजनेस करना है, अब बिजनेस किन किन फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग को ये चैप्टर में वो देखना है, ठीक है। अब बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बिजनेस क्या है वो समझने के लिए एकदम बेसिक चीजें बोली कि डिस्टिंक्ट ओनरशिप रहना चाहिए, लॉफुल बिजनेस रहना चाहिए, उसका मैनेजमेंट और खुद का स्टेटस अलग अलग रहना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, कंटिन्यूटी रहना चाहिए बिजनेस ऑपरेशन में, और रिस्क इन्वॉल्व रहता है हर एक बिजनेस में। ये तो बेसिक चीजें हैं जो सबको पता है। आइडियल बिजनेस क्या होता है वो, उसकी कुछ चीजें बोलिए आइडियल, है ना। देखो ये सारी चीजें एक बिजनेस में होना चाहिए ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा सब इसमें रहेगा नहीं, है ना। वो बनाना काफी आसान होना चाहिए, वो कोई भी बिजनेस का फॉर्म जो है आप कौन सा चूज करेंगे जिसे बनाना काफी आसान है, आपको जो इजीली आप जिसमें पैसा जो है वो ले सकते हैं, लोगों से एक्वायर कर सकते हैं, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप लोग की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो ओनरशिप है, कंट्रोल और मैनेजमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहना चाहिए, मतलब जो ओनर्स हैं वो कंट्रोल भी कर पाए बिजनेस को, ऐसा भी रहना चाहिए। स्टेबिलिटी रहना चाहिए बिजनेस में, कंटिन्यूड बिजनेस रहना चाहिए, आप अपने हिसाब से काम कर पाए, ये फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों में रहना चाहिए। डिस्टिंक्ट ओनरशिप मतलब ओनर्स का ओनर आपका जो एग्जिस्टेंस है वो अलग रहना चाहिए, ओनरशिप जो है वो आपका अलग रहना चाहिए, राइट। ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप, लॉफुल बिजनेस के लिए आप बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सेपरेट मैनेजमेंट और आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो अलग रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूड बिजनेस, रिस्क इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है जो हम लोग देखेंगे। हमें ये चैप्टर में क्या देखना है बेटा, हमें ये चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है, जो कि है सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप कंपनी, ठीक है, स्टैचुटरी बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और LLP, ये चीजें हम लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सोल प्रोप्राइटर से। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोल प्रोप्राइटर, देखो जब भी एक इंसान बिजनेस करने के लिए आता है, ठीक है, सोल और प्रोप्राइटर, सोल का मतलब क्या है बेटा, सोल का मतलब एक अकेला इंसान, प्रोप्राइटर का मतलब अकेला बंदा, बिजनेस करने वाला, ओनर ऑफ द बिजनेस। अब एक अकेला बंदा जब बिजनेस करता है तो उस केस में क्या होता है बेटा, उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पूरा पैसा आप लेकर आओगे, पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, पूरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आप क्या कहते हैं एंजॉय करोगे, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, है ना। आप लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करना काफी आसान है, बंद करना काफी आसान है। अब सोच यार, अगर आप लोग ने बोला कि यार कुछ चल नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा टी स्टॉल खोल लेता हूँ बाहर जाके घर के पास, काफी आसान है, आप जाओ चाय का शॉप खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर आप बात करें तो भाई इसे कई बार वन मैन आर्मी या वन मैन शो भी कहा जाता है ना। सोल प्रोप्राइटर, जो बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं या सोल ट्रेडर कहते हैं। छोटी छोटी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंगल ओनरशिप, भाई साहब जो ओनरशिप है वो एक ही बंदे के पास में रहेगी, इसीलिए तो सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर कहा है ना, तो सोल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप, एक ही बंदे के पास में ओनरशिप रहेगी, कोई किसी के साथ में भी प्रॉफिट और शेयर, आप प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर नहीं करोगे, अकेले, है ना, अकेले आप प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय करो, लॉस हुआ तो बेयर करो, अकेले, ठीक है। फिर इसके बाद में वन मैन्स कैपिटल, जो पैसा लगाएगा वो एक ही इंसान पैसा लगाएगा, कंट्रोल भी एक ही इंसान के पास में रहेगा। अरे सोच के देखो यार, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने मेहनत किया, आपने पूरा प्रॉफिट कमाया, तो कंट्रोल भी आप ही का रहेगा, आप पैसा लगा रहे हो, आपका कंट्रोल है, प्रॉफिट कोई और लेके जा सकता है क्या, नहीं लेके जा सकता है। जब आप प्रॉफिट शेयर नहीं करे तो लॉस कोई शेयर करेगा क्या, नहीं करेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड मतलब अगर बिजनेस में नुकसान ज्यादा है और असेट्स कम जा रही है, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए तो आपके पर्सनल असेट्स भी अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी कहेंगे। फिर इसके बाद में आता है लीगल फॉर्मेलिटीज, इसको शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज लगती है। एडवांटेजेस क्या है भाई, इट इज क्वाइट ईजी टू फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन और वाइंड अप दिस ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, आप जितनी मेहनत करोगे ना भाई साहब उतना आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा मेहनत किया ज्यादा पैसा, कम मेहनत किया कम पैसा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मोटिवेशन है आपका। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉम्प्ट एक्शन,
बनता तो टेक, नहीं तो मत टेक, है ना। तो भाई जमता है तो लो, नहीं तो मत करो काम सीधा। आप अकेले बंदे हो जो डिसीजन ले रहा है, जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी से देखो सलाह ले सकते हो बट किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। यू आर द ओन बॉस, है ना, आप खुद के बॉस हो बेटा। फिर इसके बाद में आता है बेटर कंट्रोल। आप बिजनेस अकेले कर रहे हो, किसी के ऊपर पे डिपेंड नहीं हो रहा, तो आपका जो कंट्रोल है वो एक हद तक ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है सब चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आप बिजनेस मैनेज कर सकते हो थियोरेटिकली, ठीक है, आइडियली। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। अब सोल प्रोप्राइटर को कानूनी तौर पे किसी को भी अपने बिजनेस सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है। आप जाओ पानीपुरी वाले के पास में, उससे पूछ के देखो कि भाई साहब तुम पानीपुरी के पानी में क्या क्या मसाले डालते हो, जरा बताओ, वो नहीं बताएगा आपको, है ना। फिर आता है पर्सनल रिलेशनशिप। भाई जो एम्प्लॉयज हैं और जो कस्टमर्स हैं आपके, उनके साथ में आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, मतलब रिलेशनशिप एज इन कि आप लोग उनसे पर्सनली जान पहचान कर लेते हो। एक्सक्यूज मी, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, आपका जब मन कर रहा है जैसा मन कर रहा है आप वैसे बिजनेस करो, नहीं कर रहा है किसी दिन मन मत करो। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको लग रहा है कि यार मैं अभी ठंड आ रही है, गरम गरम चाय कॉफी और प्याज के पकोड़े या पकोड़े की दुकान ही खोलता हूँ, अरे करो भाई, बिल्कुल करो। गर्मी आ रही है, अरे कोई बात नहीं, जूस का सेंटर खोलो, गन्ने का जूस खोलो, को जो करना है करो भाई, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन में बिल्कुल चेंज कर सकते हो। फिर आता है एनकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई आप खुद का काम करो, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है भाई, है ना, अपना काम बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में था डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कैपिटल। एक ही बंदा पैसा लेकर आया, कितना ही पैसा लेकर आएगा वो, है ना, तो कैपिटल जो है वो एक बंदा ही लेकर आ रहा है तो लिमिटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा आप लेकर नहीं आ पाते हो। फिर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई साहब आप सोल प्रोप्राइटर है तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर बिजनेस में पैसा कम गया तो आपके पर्सनल असेट जो है अटैच हो रहे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर गया तो भाई वो बिजनेस भी गया। अब ऐसा क्यों कहते हैं सोल प्रोप्राइटर गया तो बिजनेस भी गया? रीजन, क्योंकि देखो यार हमारा कनेक्ट किसके साथ हो जाता है, हमारा कनेक्ट हो जाता है वो सोल प्रोप्राइटर के साथ में। अब वो सोल प्रोप्राइटर जब खत्म हो जाता है या नहीं रहा मान लो, तो यार हम लोग दूसरे बंदे से वो काम नहीं कराता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानीपुरी वाले के पास जा रहे हैं, है ना, तो पानीपुरी एक ही पानीपुरी वाला अगर आप गोलगप्पे वाला अगर आपका बंद गया कि भाई हम इसी के पास के गोलगप्पे खाएंगे, पानीपुरी जो कहना है, पुचका पानीपुरी गोलगप्पा जो कहना है, अब भाई आप उसी के पास का खाएंगे तो वो कैसे एक बंदे का हाथ बैठ जाता है यार। अब वो नहीं रहा, मान लो काका जी गए, टपक गए, ऑफ हो गए, उसकी जगह पर कोई और आया अगर, है ना, तो यार हो सकता है उसके हाथ में वो स्वाद ना हो तो आप जाना बंद कर दोगे। तो यार इसीलिए कई बार वो फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि बिजनेस उनको बंद ही करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, क्योंकि कानूनी तौर पे वो बिजनेस का अलग से अस्तित्व तो है नहीं। आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिकॉज आपका ओनर है, ओनर गया तो बिजनेस भी गया, ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। लिमिटेड साइज, अब यार आप अकेले कितना ही बड़ा बिजनेस मैनेज करोगे, है ना, एक लिमिट तक ही कर पाओगे, फिर उसके बाद में आपके कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आप ज़्यादा बड़ा नहीं सकते हो अपने बिजनेस को। फिर आता है लैक ऑफ मैनेजरल एक्सपर्टीज। देखो यार आपके पास में स्कोप होगा, आपके पास में क्या कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, बट आप सब काम खुद नहीं कर सकते। यू माइट बी वेरी गुड इन मेकिंग समथिंग, यू माइट बी वेरी गुड इन मेकिंग डोसास, और यू माइट बी वेरी गुड इन मेकिंग क्या कहते हैं समोसा और वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, है ना। अगर आपका ब्यूटी पार्लर आप खोल रहे हैं, कोई लड़की है अगर वो लिपाई पुताई का काम करने के लिए ब्यूटी पार्लर खोल रही है, ठीक है, तो यू माइट बी वेरी गुड एट इट, बट यू माइट नॉट बी गुड एट काउंटिंग मनीज और कीपिंग अकाउंट्स, है ना। आप पैसा रखने में या फिर वो सब काम करने में, पैसों को मैनेज करने में आप अच्छे नहीं होंगे, या उल्टा हो सकता है आप पैसा बहुत अच्छा मैनेज करते हैं बट काम अच्छा नहीं कर पाते, यार ये भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैनेजर स्किल्स जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो सभी में अच्छा हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे सूटेबल है? अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है, ठीक है, अगर आप लोग को लोकली कहीं पे काम करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो। देखो प्रैक्टिसिंग फर्म खोलना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको छोटी सी एक दुकान खोलना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल कम लगता है, मैनेजर स्किल्स कम लगती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, कम पैसे में शुरू हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, बढ़िया तरीके से, समझ में आए? तो ये सूटेबल है ये बिजनेस के लिए। फिर आता है बेटा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब यार देखो
इसमें एक चीज ध्यान दो, ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, पहली बात। कुछ चीजें आप लोगों को बता दो, इसे गवर्न करने के लिए जो कानून है, सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करने के लिए कोई भी कानून नहीं है, ये याद रखना। HUF को गवर्न करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। कौन सा एक्ट है बेटा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। HUF में ये बिजनेस करने के लिए आपके लिए बेसिकली क्या रहना चाहिए? आप हिंदू फैमिली है ना, अब हिंदू फैमिली प्लस आपके पास में क्या रहना चाहिए बेटा? आपके पास में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहना चाहिए, मतलब आपके पास में पुश्तैनी या जो आपके पिताजी का जो या फैमिली का जो बिजनेस है वो रहना चाहिए, और एक हिंदू फैमिली, तो आप HUF बना सकते हैं। कम से कम दो लोग तो चाहिए, देखो फैमिली के लिए दो लोग तो चाहिए, अकेला बंदा कैसे फैमिली बनाएगा, तो कम से कम दो लोग चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए आप लोगों का, क्या कहते हैं, हिंदू फैमिली चाहिए, ये सारी चीज़ें HUF के लिए बहुत प्राइमरी या बेसिक है। और इसे गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है मैंने बताया? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज द एक्ट विच गवर्न्स द HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब ये फैमिली में बेटा तीन जनरेशंस कवर होती है, कितनी जनरेशंस कवर होती है? तीन जनरेशंस, मतलब एक बंदे की अगर HUF है तो उसकी तीन जनरेशंस कवर होगी। अब जो सबसे बड़ा मेंबर है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डेस्ट मेल, आई डिड नॉट से द एल्डेस्ट मेल, आई सेड द एल्डेस्ट मेंबर, राइट। जो सबसे बड़ा मेंबर है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, प्लीज ये चीज ध्यान दे बेटा, ये चेंज आया था है ना, भले ही वो सबसे बड़ा मेल हो या फीमेल हो, वो कर्ता बन सकता है। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ता कहते हैं। और कर्ता जो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द HUF, ठीक है। बाकी के सारे जो पिलांटू रहते हैं ना, जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, उन्हें हम को पार्सनर कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? को पार्सनर, ठीक है। अब कर्ता जो है, इट इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, जो कि कर्ता बनता है, एल्डेस्ट मेंबर इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब यह कि इवन एक फीमेल जो है वो भी कर्ता बन सकती है, एक्सक्यूज मी, जो को पार्सनर है सिर्फ वो कर्ता बन पाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक खास बात क्या है कि यार, भले ही कर्ता के पास में पूरा अधिकार है बिजनेस को मैनेज करने का, पूरा जो बिजनेस है वो मैनेज कौन करता है? वो कर्ता करता है, बट उसका अधिकार ज्यादा नहीं रहता है। जो राइट्स है, जो प्रॉपर्टी पे जो अधिकार है, वो सबकी इक्वल है, कर्ता के और कोपासनर्स के सबके इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं है कर्ता के पास ज्यादा अधिकार रहेगा, कोपासनर्स के पास कम, ठीक है। सबका जो इंटरेस्ट है, सबका जो राइट है बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, वो सबका इक्वल रहेगा, ठीक है। नाउ कोई भी जो स्ट्रेंजर है वो HUF का कर्ता नहीं बन सकता है। कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? HUF की प्रॉपर्टी को मैनेज करना। अब ही इज द कस्टोडियन ऑफ इनकम एंड असेट्स ऑफ द HUF। नाउ उस वो लायबल है कि भाई जितने भी HUF के मेंबर्स हैं वो लोग सही तरीके से काम करें या HUF जो प्रॉपरली मैनेज हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला लीगल स्टेटस, HUF जो है वो जॉइंटली ओन्ड बिजनेस है ना, जस्ट लाइक एक आप जॉइंट प्रॉपर्टी अगर ओन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? HUF या जॉइंटली ओन बिजनेस कहेंगे। हिंदू लॉ या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसे गवर्न करता है, ठीक है। नाउ इट कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स विद अदर्स। HUF जो है वो दूसरों के साथ में पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। मेंबर भाई, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, नो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मेल मेंबर्स। भाई इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। कम से कम दो मेंबर्स चाहिए, मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए, सिर्फ मेल मेंबर नहीं, मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग, सब में इक्वल प्रॉफिट बटता है। मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो भाई साहब, जो मैनेजमेंट है वो किसके पास में रहता है? जो कर्ता रहता है उसके पास मैनेजमेंट रहता है। लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड होती, अनलिमिटेड होती है, और कोपासनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। कोपासनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, और कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। HUF इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ईच मेंबर को हम को पासनर्स करेंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और कर्ता की लायबिलिटी कैसी रहती है बेटा? अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग शेयर्स, भाई आपका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, क्यों? फैमिली में नए लोग आते हैं तो हिस्सा सब में बढ़ जाता है, कोई टपक गया तो हिस्सा वापस से क्या कहते हैं, बढ़ जाता है। कंटिन्यूटी, देखो जो सीनियर मोस्ट मेंबर जो करता है वो गया, तो उसके बाद का जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो करता बन जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब इसके एडवांटेज क्या है बेटा? अश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट। देखो को पार्टनर्स काम नहीं करते,
को पार्टनर काम नहीं करते बट उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फ्रीडम एंड मैनेजमेंट, कर्ता को पूरा फ्री हैंड मिला, वो जैसे डिसीजन लेना चाहे वैसे डिसीजन ले सकता है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब कोपार्टनर्स जो है वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस कर्ता के साथ में शेयर कर सकते हैं, उनकी बात मानना या नहीं मानना वो कर्ता के ऊपर है, बट कर्ता के साथ में वो शेयर भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, देखो लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी सब कोपार्टनर्स की तो लिमिटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, आपका HUF जो वो कंटिन्यू रहता है, वो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में रहता है, उसका एग्जिस्टेंस में फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब पैसे कितने लोग लाएंगे, एक ही फैमिली पैसा लाएगी ना, है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक इंसान पैसा ला रहा था, यहाँ पे एक फैमिली का फंड आएंगे, तो लिमिटेड ही रहता है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, देखो यार कोपार्टनर्स का कुछ कोई सुनता है नहीं, उनकी कुछ इज्जत है ही नहीं, तो वो लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने का। और कर्ता जो है कई बार उसमें भी मोटिवेशन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, उस कर्ता को लगता है यार पूरा काम मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट जो है सब में इक्वल बढ़ रहा है, तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा, तो कर्ता को भी मोटिवेशन कभी कभी कम हो जाता है। फिर आता है मिसयूज ऑफ पावर ऑफ कर्ता, कर्ता जो अपना ही चलाएगा, हेड ऑफ द फैमिली है, सबसे बड़ा है इंसान, है ना, उसको आप बोलेंगे कि भाई देख ऐसा कर या दीदी ऐसा करो, वो क्या बोलेंगे मेरे को मत सिखा, है ना, चल पहली फुर्सत में कर, ऐसा बोल सकते हैं। कर्ता अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब हो सकता है यार वो बड़े लोगों में छोटे लोगों में कुछ अनबन हो जाए, है ना, तो वो भी प्रॉब्लम है। इनस्टेबिलिटी, अब यार देखो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और अगर फैमिली में बंटवारा हुआ तो HUF खत्म, फैमिली में बंटवारा हुआ तो भाई साहब आपका HUF खत्म। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके HUF में आ सकती है, ठीक है, राइट। अब नया देखते हैं बेटा अपन लोग पार्टनरशिप। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग, ध्यान से सुनेंगे, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए और वो अग्री करते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉस को शेयर करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस सब लोग मिलकर करें, कोई भी एक इंसान या सब लोग मिलकर वो बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी एक इंसान कर सकता है सबके बिहाफ में। मैंने ये पार्टनरशिप के डेफिनेशन को हिंदी में बता दिया, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए और वो अग्री करते हैं कि भाई साहब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप में बिजनेस जो वो सब लोग करेंगे या तो फिर कुछ लोग सबके बिहाफ में कर सकते हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा कि पार्टनरशिप में आपको कम से कम दो लोग चाहिए, ठीक है, मिनिमम यू विल रिक्वायर टू पीपल या टू पर्सन। नाउ एक चीज ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम कितना बोला है, मैक्सिमम देयर इज 50। क्यों 50 भाई साहब, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इसका जो सेक्शन है सेक्शन 464 रेड विथ रूल 10 ऑफ मिसलिनियस रूल्स 2014 उसके हिसाब से जो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो कितने रह सकते हैं, 50। ये चीज ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। अब हैने ने एक डेफिनेशन दिया है, ये पूछ सकता है डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स कॉम्पीटिंग टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु अग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू अ व्यू ऑफ प्राइवेट गेन। भाई आप लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आके बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो सके, ठीक है। अब यार आप लोग अगर देखें तो पार्टनरशिप में जो जो लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं, जो कि अग्री करते हैं, उसे हम पार्टनर्स कहेंगे, राइट। अब इसे गवर्न करने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है, राइट, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि बनाया गया था 1932 में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम दो पार्टनर्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, मैक्सिमम जैसे मैंने बताया 50 रह सकते हैं। ये लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है, मतलब उन लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। नाउ दिस अग्रीमेंट इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन, ठीक है, ये अग्रीमेंट इट कैन बी ओरल और रिटन, पर ऐसा कहा जाता है इट इज प्रिफर्ड कि वो क्या रहे बेटा, रिटन रहे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनर्स, भाई साहब जो पार्टनर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने लायक होना चाहिए, पहली बात, है ना, वो लोग माइनर नहीं रह सकते, वो लूनाटिक नहीं रह सकते, वो इंसॉल्वेंट नहीं रह सकते, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो वो लोग जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते वो पार्टनरशिप भी नहीं बना सकते, बट माइनर्स का एक एक्सेप्शन है, माइनर्स के लिए अगर सब लोग अग्री कर ले, सारे पार्टनर्स जो वो अग्री करे, तो माइनर्स को सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आप अग्री पार्टनर बना सकते हैं, बट जनरली माइनर्स पार्टनर नहीं बन सकते।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, भाई आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो अग्री करते हैं पार्टनर्स उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया जाता है। अगर अग्री नहीं किया गया तो भाई जिस हिसाब से आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है उस हिसाब से होगा, अगर वो भी नहीं रहा तो इक्वल रहेगा, बट बेसिकली जो रेशो में अग्री किया गया है उसी रेशो में प्रॉफिट जो है वो बटेगा। फिर इसके बाद में आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी रहती है वो क्या रहती है बेटा, अनलिमिटेड रहती है। हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में रहता है। मान लो अगर आप और मैं पार्टनर है, ठीक है, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म है, आप और मैं पार्टनर है, अगर आप हमारे बिजनेस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हुए कहीं और जा रहे हैं तो आप एजेंट हैं, मैं प्रिंसिपल हूं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं हमारी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं, ठीक है, किसी क्लाइंट के पास जा रहा हूं, तो मैं एजेंट हो गया, आप प्रिंसिपल हो गए, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है बेटा, प्रिंसिपल और एजेंट है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, भाई हम लोग अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक हम लोग बाकी पार्टनर्स से कंसेंट या अप्रूवल ना ले लें। पार्टनरशिप का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता है, पार्टनरशिप में जो ओनरशिप रहती है वो सारे पार्टनर्स का, असेट की जो ओनरशिप रहती है वो सारे पार्टनर्स की रहेगी। पार्टनरशिप ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ अलग से कानूनी तौर पे एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, इट इज वॉलेंट्री टू रजिस्टर। भाई साहब यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करवाना ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में इट इज कंपलसरी, बट अदरवाइज इट इज वॉलेंट्री टू रजिस्टर पार्टनरशिप। अब रजिस्टर करवाना चाहिए क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि क्या, अगर आप रजिस्टर्ड फॉर्म हैं तो आप जो फॉर्म है वो अपने पार्टनर्स पे केस कर सकती हैं, ठीक है। चलो रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं बताता हूँ क्या होता है, तीन बातें होती है अगर रजिस्टर्ड नहीं रहे तो। एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म का जो पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर्स पे या फॉर्म पे केस नहीं कर सकता। अगर आप और मैं अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर हैं तो हम लोग फॉर्म पर या किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड, हमारी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो फॉर्म किसी पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती, ठीक है। पहला क्या था, पार्टनर फॉर्म के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर, दूसरा पार्टनर आपस में या पार्टनर फॉर्म पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, तीसरा भाई हम लोग अगर अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, बट थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, ठीक है। ये तीन बातें हैं। फिर इसके बाद में बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई साहब अगर पार्टनर्स जो हैं वो लोग चाहें तो आपका जो पार्टनरशिप है उससे आप डिसॉल्व कर सकते हैं। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंप्लाइज नॉट ओनली कंप्लीट क्लोजर और टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, बट कोई भी अगर आपके चेंज आया ना पार्टनरशिप के कंपोजिशन में तो वो भी डिसोल्यूशन कहलाया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स भी चेंज हो तो पुराना पार्टनरशिप तो खत्म हुआ ना, इसीलिए एडवांटेज क्या है भाई, काफी इजी है, कम से कम दो लोगों को साथ में लेकर आओ, बिजनेस चालू करो, बिल्कुल लॉफुल बिजनेस करो, चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फेवरेबल क्रेडिट स्टैंडिंग, भाई साहब एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर इसमें क्रेडिट स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। क्यों, सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा था, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग रह सकते हैं, है ना। लार्ज कैपिटल, अगेन ज्यादा पैसा आएगा आपके पास में, मैनेजर मैनेजमेंट एबिलिटी आपके पास ज्यादा अच्छी रहेगी एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। रीजन, क्योंकि यार यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो अच्छा रहेगा, सब में ड्यूटीज राइट्स वगैरह सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती है। फिर इसके बाद में आता है यूनियन ऑफ बिजनेस एबिलिटी। भाई साहब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी आप काम कर रहे हैं वो लोग अलग अलग काम सब लोग बांट लेते हैं, है ना। एक बिजनेस में आप जो है मैनेजमेंट देखो, आप जो सेल्स देखो, आप जो है फाइनेंस देखो, हम लोग सबकी जो एबिलिटी है वो सब मिलके बेहतर इफेक्ट लेकर आती है। प्रॉफिट इंसेंटिव आप क्यों करते हैं, साथ में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। सीक्रेसी, आपको किसी को कोई चीज बिजनेस सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, है ना। कानून ऐसा कुछ भी आपके लिए प्रावधान बनाकर नहीं रखा है। फिर स्किल्ड वर्कर्स का रिटेन कर सकते हैं आप। भाई देखो अगर आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप मेरे यहाँ के एम्प्लॉई है ना, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा यार देखो मैं आपको पार्टनरशिप देता हूँ, अगर आप मेरे यहाँ पे रुक कर काम करते हैं, मेरे यहाँ पे ही रहते हैं, कहीं और नहीं जाते, तो मैं आपको पार्टनर बना लूंगा, जाहिर सी बात है। तो जो स्किल्ड वर्कर है उसको मैंने क्या कर लिया, रिटेन करके रख लिया। फिर आता है ब्रेक ऑन हेस्टी डिसीजंस। जो डिसीजंस है वो हम लोग बहुत सोच समझ के लेंगे, क्योंकि अकेला बंदा डिसीजन नहीं ले रहा है, यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो सबके सोच समझ कर लिए जाएंगे। फिर आता है स्पेशल प्रोटेक्शन टू माइनर। माइनर जो है बेटा वो तभी मेंबर बन पाएगा जब सारे मेंबर्स अग्री करते।
मान लो चार पार्टनर्स है, ठीक है, और एक माइनर है। ये माइनर तभी पार्टनर बनेगा जब ये चारों पार्टनर्स अग्री करते हैं, पहली बात। दूसरा, माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर रहेगा, उसको लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी बस, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है इंक्रीज इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। हम लोग सब लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में काम करते हैं, टैक्स एडवांटेज आप लोगों को मिलता है, ठीक है, और बंद करना डिसोल्यूशन भी काफी आसान है। भाई डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ फर्म, डिसॉल्व हो गई भाई, एक भी पार्टनर को कुछ हुआ तो वो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। फिर आता है फ्रोजन इन्वेस्टमेंट, भाई साहब आपने पार्टनरशिप बनाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट तो गया है ना, गया इन द सेंस वो अटक गया ना पैसा वहां पे। आप अगर पार्टनर रहना चाहते तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब वो इन्वेस्ट जो आपने किया वो पैसा तो अटक गया ना वहां पे, आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल पाओगे। डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स, जाहिर सी बात है पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतभेद हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी बात को लेकर झगड़ा यार, गलती से लड़कियां नहीं तो फिर तो यार नहीं, जोक्स अपार्ट, बट यार प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, आपने कोई गाड़ी लिया है फॉर्म के लिए, खुद घुमा रहे उसको, है ना, अब बोले भाई मेरी क्या कहते हैं वो दोस्त आ रहा है, दोस्त आ रही है उसको घुमाने लेके जाना है, अरे भाई वो गाड़ी फॉर्म की गाड़ी है, तेरी गाड़ी नहीं है, तेरे दोस्त के लिए नहीं बनाया अपन ने, यार ये सब चीजें मिसयूज हो सकती हैं, ठीक है। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब नहीं कर सकते, क्यों? डिसीजन मेकिंग में अगर डिले कर दिया, सब लोग को मनाने में, अरे भाई सुनना ये कर सकते कर सकते कर, सबको मनाने में अगर समय लग गया तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है। फिर कंट्रोल आपके अकेले के हाथ में नहीं रहेगा, सबके पास में कंट्रोल रहता है तो सबका टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग रहेगा। पब्लिक कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, क्यों? बिकॉज इसमें सीक्रेसी ज्यादा है। लोगों को कॉन्फिडेंस तब आएगा किसी चीज में जब लोगों को उस चीज के बारे में पता हो। अब प्राइवेट पार्टनरशिप में सीक्रेसी ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, भाई साहब आपके कामों के लिए मैं भी जिम्मेदार रहूंगा, मेरे काम के आप किस जिम्मेदार रहेंगे, तो भाई इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए मैं भी फंस सकता हूँ, आप भी फंस सकते हैं, तो यार फालतू में हमारा बिल पट सकता है, मतलब आपने कुछ गलत काम कर दिया, आपने पावर्स अपने जो स्फीयर ऑफ पावर है ना, जो जो अथॉरिटी आपको दी है उसी में रहते हुए अगर आप काम कर रहे हैं और कुछ गलती हो गई, नुकसान हुआ, तो मेरे ऊपर भी बिल फटेगा, है ना, मुझे भी उसकी लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा, अरे इम्प्लाइड अथॉरिटी का प्रॉब्लम भी जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर देखा, एचयूएफ देखा और पार्टनरशिप देखा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना गाइज हमारा, वो है कंपनी। यार ये 150 बार आप लोग पढ़ चुकेंगे, बट ठीक है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कंपनी क्या है बेटा? कंपनी इट इज नथिंग बट एन वॉलंटरी एसोसिएशन, है ना, इट्स एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि साथ में आते हैं काम करने के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए लोग साथ में आते हैं, सेपरेटली एग्जिस्टेंस होता है इसका, राइट। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ मैंने मेंबर्स की लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, है ना, फर्क होता है छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का। बेटा कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है, और कंपनी में जो भी पैसा आता है, अब देखो कैपिटल जो है ना, पूरा शेयर कैपिटल जो है इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज शेयर्स, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। हम लोग सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं बेटा। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है ये सेपरेटिकल एंटिटी होती है, इसकी आर्टिफिशियल पर्सन था बिकॉज इट हैज अ सेपरेटिकल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सन है ये, क्या कर सकता है, ये एक बॉडी को ऑपरेट है, ये किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई इसके ऊपर केस कर सकता है, मतलब इट कैन स्यू और बी स्यूड, मतलब स्यू का मतलब केस करना, बी स्यूड मतलब वो उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है कंपनी, बराबर, फिर क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब भाई ये इनकॉर्पोरेशन इसका करना जरूरी है, कंपनी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कंपनी बन नहीं सकती। पूरा जो शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड रहता है, वो छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं शेयर, और शेयर जो है वो ओनरशिप डिनोट करते हैं, आप शेयर जो है वो ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। पब्लिक कंपनी में शेयर जो है वो ईजिली ट्रांसफर हो जाते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो ट्रांसफर उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, प्रोहिबिशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी में आप ट्रांसफर कर सकते हो बट उसमें रिस्ट्रिक्शन है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप ट्रांसफर कर पाओगे। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, भाई साहब कंपनी के आने सॉरी कंपनी पर मेंबर्स या डायरेक्टर्स के आने या जाने से कंपनी पे फर्क पड़ता नहीं है, तो इसे कहते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। व्हाई? बिकॉज ये क्यों आता है? बिकॉज इट इज अ सेपरेटिकल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है,
बराबर, इसीलिए ये इसमें क्या रहता है, परपेचुअल सक्सेशन रहता है. सिंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड या इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अ लीगल प्रोसेस, जो इनकॉर्पोरेशन हम करते हैं वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी को एग्जिस्टेंस मिलाते हैं. तो कंपनी को खत्म भी करना, मतलब ताला लगा दिया, बिल्डिंग उड़ा दिया बम से, तो कंपनी खत्म नहीं होती है. आपको एक लीगल प्रोसेस वाइंडिंग अप करके ही कंपनी बंद करना पड़ेगा, तभी कंपनी बंद होगी, अदरवाइज कंपनी बंद नहीं होती है. लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है ना. कंपनी अलग अलग टाइप्स की रहती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो सब आपने लॉ में पढ़ चुका है. बट कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी अगर हम बात करें तो वो लिमिटेड होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी सिर्फ थ्योरी में होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती है. कंपनी जो नॉर्मली कंपनी बनाई जाती है उसमें कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहती है बेटा, लिमिटेड रहती है, अप टू द अमाउंट या अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड कैपिटल. मान लो शेयर है 10 रुपए का, आपने 6 रुपए पे कर दिया, कितना अनपेड है बेटा, 4 रुपए अनपेड है, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी बची है, 4 रुपए. अगर ये भी पे कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी होगी 0. ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट. आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं, जिसे हम डायरेक्टर कहते हैं. डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को मैनेज करते हैं. एक चीज याद रखेंगे, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स जो है ये कंपनी को मैनेज करते हैं, और डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली आप बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सिंपल सिंपल बातें हैं, छोटी छोटी बातें है ना, बड़े बड़े बड़ा पाव खाते कॉमन सील. भाई साहब अब तो अनिवार्य नहीं है, बट पहले ऐसा होता था कि कॉमन सील, अब जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम लोग कोई भी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए साइन करते हैं, कंपनी के पास कॉमन सील होती थी, है ना. भाई साहब परमानेंसी या तो फिर इसका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस रहता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी के आने मेंबर्स के आने जाने पे, डायरेक्टर्स के आने जाने पे कंपनी पे फर्क पड़ता नहीं है. लिमिटेड लायबिलिटी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बेनिफिट है, आप इजीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ज्यादा कैपिटल आप ले सकते हैं. भाई देखो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, बराबर. प्राइवेट कंपनी है कम से कम 2 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर. देखो मेंबर्स ज्यादा है ना यार, इसमें मेंबर्स ज्यादा तो पैसा भी ज्यादा आएगा. ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट फंक्शन. यार कंपनी को मैनेज करने के लिए आप जो है वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हो गए, हर एक जगह के लिए प्रॉपर जो लोग हैं उनको आप अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज रहती है कंपनी. ठीक है, सेपरेटिकल एंटिटी है, मतलब कानून की नजरों में इसका अलग अस्तित्व है, राइट. खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, प्रॉपर्टीज ओन कर सकती है, केस कर सकती है, लोन ले सकती है, सब कर सकती है. बड़े लेवल पे काम होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, राइट, बिकॉज पैसे ज्यादा है इनके पास में. लार्ज स्केल पे आप काम कर सकते हैं, बोल्ड मैनेजमेंट है क्योंकि प्रोफेशनल है, पता है इन्हें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज इतने सारे मेंबर्स हैं, तो रिस्क सब में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. फिर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यार बोला जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करके काम करना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. फिर आता है फुल लीगल कवरेज. भाई आपका जो पूरा काम है वो आप पूरा पूरा राइट फ्रॉम कंपनी बनना से लेके कंपनी खत्म होने तक पूरा कानून के हिसाब से करते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, है ना भाई. अपने हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, अपनी अंगार नहीं चलेगी यहाँ पे, कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा. फिर आता है सोशल बेनिफिट्स. बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बेटा वो बहुत सारी बड़ी, अब जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया है ना, टाटा जो है इट इज़ फेमस फॉर डूइंग सो मच ऑफ फिलैंथ्रोपी. भाई ये सब जो है सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरा करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ये सब चीज़ें. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी अगर देखें तो भाई कंपनी को बनाना और कंपनी को बंद करना काफ़ी डेलिकेट प्रोसीजर है, राइट फ्रॉम नेम अप्रूवल, है ना, पहले नाम अवेलेबल है कि नहीं वो देखो, फिर उसके बाद में आप MOA बनाओ, AOA बनाओ, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करो, स्टैचुटरी डिक्लेरेशन बनाओ भाई, फिर उसके बाद में आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए आप एप्लीकेशन दो. अरे बाप रे, कितना दिक्कत वाला काम है. डबल टैक्सेशन, भाई साहब यहाँ पे कंपनी को भी टैक्स लगता है, DDT डबल टैक्सेशन है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को भी लगता है, शेयर होल्डर्स के पास में भी टैक्स भरना पड़ता है. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, अब कई बार क्या होता है यार, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को पता नहीं रहता कंपनी में क्या हो रहा क्या नहीं, डिटेल्स किसको, डे टू डे एक्टिविटी किसको पता है, डायरेक्टर्स को पता है. तो डायरेक्टर्स जो बोलते हैं अरे हमको बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कंपनी में काम करने का, शेयर होल्डर्स बेचारे भोले रहते हैं, हाँ बोल देते. तो यार कई बार आप शेयर होल्डर्स का पैसा जो है वो जबरदस्ती जो है वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं. फिर इसके बाद में आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर्स के पास में, ओनरशिप जो
वो शेयर होल्डर्स के पास में, तो शेयर होल्डर्स को कभी कभी हवा नहीं रहती कंपनी में क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स को या जो मैनेजर्स हैं उनको ऐसा लगेगा यार अपना पैसा थोड़ी लगा है, टेंशन थोड़ी है, तो ये भी एक दिक्कत है। फिर फ्रॉड्स काफी हो सकते हैं भाई इसमें, सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से फ्रॉड्स काफी हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में भाई, ये तो अभी आपने देखा ही है स्कैम 1992 देखा ना, तो वैसे तो अभी उतने नहीं होते हैं बट होते हैं ठीक है। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी, बिकॉज इतने सारे लोग हैं यार यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास में कानून ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रख सकते, आप लोग को इन्फॉर्मेशन लोगों को बताना ही पड़ेगा। एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करना पड़ता है, बैलेंस शीट्स फाइल करनी पड़ती है, बहुत सारी डिटेल्स लोगों की कंपनी की लोगों को पता चलती है। फिर इम्पर्सनल रिलेशनशिप, भाई साहब लोगों को कई बार, अब जैसे बड़ी कंपनी है तो कई बार ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं, अच्छा वो भी वो कंपनी में काम करता है क्या, अरे मैं तो मिला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप रहता है, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, एक डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर ही बनेगा, चपरासी नहीं बनेगा, है ना, ये होता है। फिर उसके बाद नेपोटिज्म, ये कभी बोलेंगे नहीं अपन, है ना। फिर उसके बाद में आता है ग्रुपिंग ऑफ पावर, जिनके पास में ज्यादा शेयर्स उसके पास में ज्यादा पावर, खत्म। तो भाई वन शेयर वन वोट वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना, कंपनी में क्या कंसेप्ट चलता है, वन शेयर वन वोट। फिर आता है इवल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, भाई सोसाइटी को अगर आप ध्यान दो तो सोसाइटी में क्या होता है कि आप लोग अपना बिजनेस पे ध्यान दोगे, सोसाइटी के बेनिफिट का ध्यान नहीं दोगे, वो बोलने की बात है कि सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं बेनिफिट कर रहे हैं, नहीं अपन तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, कंपनी बना रहे हैं, यार ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी किसके लिए सूटेबल है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जब बड़े लेवल पे काम करना है, पैसा ज़्यादा चाहिए, लाइबिलिटी लिमिटेड चाहिए, तब ये आपके लिए क्या हो जाता है, सूटेबल होता है ठीक है। तो ये हमने देखा कंपनी ठीक है, अभी हम देखते हैं स्टैचुटरी बॉडीज है ना, या स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस। अभी आज स्टैचुटरी बॉडी की अगर अपन बात करें है ना, स्टैचुटरी बॉडी या स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करें तो यार ये वो बॉडी है, स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है ना। ICSI हो गया, ICAI हो गया, RBI हो गया, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। RBI फॉर एग्जांपल इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1934 है ना, ड्यू टू आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट पहले बना 1935 में, आरबीआई आया 34 का एक्ट था। तो भाई साहब ये सारी चीजें जो किसी एक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है उसे हम स्टैचुटरी बॉडी कहते हैं या स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। अरे यार नाम में ही दिखा है ना, ये देखो स्टैचुटरी है ना, स्टैचुटरी की अगर अपन बात करें तो यार ये देखो इसमें एक वर्ड छुपा है, कौन सा है, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, एक्ट या फिर लॉ है ना। स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी एक्ट या लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आया उसे हम स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन कहेंगे ठीक है। रूजवेल्ट ने क्या कहा था, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्लॉथ विद द पावर ऑफ गवर्नमेंट बट इज पोजेस्ड विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव विद प्राइवेट एंटरप्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट। रूजवेल्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि भाई जो पब्लिक ऑर्गेनाइज जो आपका कॉर्पोरेशन है वो उसने चोंगा या तो फिर एक जो कपड़ा है उसके ऊपर वो दिखता तो है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है बट उसके पास में पावर और फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज का पावर और फ्लेक्सिबिलिटी होता है ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स कुछ है, LIC हो गया आप लोग का, RBI हो गया, SBI हो गया, ICAI हो गया, ICSI हो गया, ये सारी चीजें। नाउ अगर आप बात करें स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन के फीचर्स की तो सबसे पहला इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट है ये, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें सारे फंक्शन सारे काम पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज सब चीज वो एक्ट में दी रहती है ठीक है। और ये इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका खुद का नाम रहता है, खुद का आर्टिफिशियल पर्सन रहता है ठीक है, कानूनी तौर पे इसको अलग एग्जिस्टेंस दिया जाता है। ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास में रहती है, भले ही सेंट्रल रहे स्टेट रहे या दोनों रहे। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब खुद का पैसा कहाँ लगाना है कितना लगाना है वो खुद डिसाइड कर सकता है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना, तो जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जैसे अकाउंटिंग होता है वैसे इसका अकाउंटिंग नहीं होता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग रहते हैं। मैनेजमेंट एंड पर्सनल्स, भाई इसमें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये अपॉइंट कर सकता है। अब
इसके जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं रहते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इसमें जो एम्प्लॉयज हो वो सिविल सर्वेंट्स ही हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्यों बनाया जाता है, लोगों की सर्विस, लोगों को सर्विस देने के लिए सर्विस मोटिव से ये बनाया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अपने हिसाब से ये बिजनेस ऑपरेशंस कर सकता है, अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। काम जो है वो एक्ट में दे दिया कि एक फलाना काम आपको करना है, कानून में दे दिया कि क्या काम करना है, वो काम किस तरीके से करना है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, अब यार काम में आपको बोला है कि आप 1, 2, 3, 4 कोई भी काम करो, ये काम कर सकते हो, अब उसको कैसे करना है, कब करना है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। कंटिन्यूटी, बिकॉज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये कंटिन्यूस इसका एग्जिस्टेंस रहता है। स्पेशल प्रिविलेजेस, गवर्नमेंट का ओनरशिप है भाई साहब, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कई सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं इसको गवर्नमेंट से, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, भाई साहब गवर्नमेंट जो है वो अच्छे लोगों को अपॉइंट करती है, यहाँ पे पीसा देती है, है ना, अच्छे बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे लोग अपॉइंट होते हैं और मैनेजमेंट भी इसका अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, बनाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको एक्ट चाहिए ना, एक्ट बनाना हलवा थोड़ी है, है ना, तो एक्ट को पहले एग्जिस्टेंस में लाओ फिर ही ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, थोड़ा सा मुश्किल है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अरे अभी तो बोला सर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोला बेटा, बिकॉज एक्ट में आपको 4 काम बोल दिया तो आप ये 4 ही काम कर पाओगे, उसके अलावा काम नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई काम करना है तो एक्ट में चेंजेस लाना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो यार इनफ्लेक्सिबिलिटी, फिर आता है एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी, यार कंटिन्यूसली उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उसमें हस्तक्षेप या कुछ ना कुछ उसमें लोगों का गवर्नमेंट का एक क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग जो है वो करना ही पड़ता है, लोग गवर्नमेंट को बताना ही पड़ता है कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया, ये हुआ वो हुआ, तो वो रहता ही है। फिर आता है क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, भाई ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि हम कुछ और करें, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाहेंगे कुछ और करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कुछ और चाहेंगे। अब इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनमें गवर्नमेंट अपना एक एडवाइजर अपॉइंट करके रख देती है, ठीक है। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइजर के हिसाब से भी काम करना होता है, अब दोनों में अगर मतभेद हो गया तो फिर वो रोते हुए जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग इंटरेस्ट में भी प्रॉब्लम जा सकती है, ठीक है। चलो सूटेबल कब है भाई साहब, जब आपके जब भी देश हित में काम करना है, ठीक है, तो आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कम रखो, ठीक है। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट, है ना, और कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ जी। चलो कोऑपरेटिव्स, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रहते हैं भाई साहब, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके ऐसे रहेंगे जो कि आप बनाते हैं क्यों, लोगों की सेवा के लिए, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाते हैं, है ना। तो चैरिटी के लिए जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो वो क्यों, वो कैसे बनाएंगे आप, वो आप बनाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, कोऑपरेटिव के फॉर्म में, सोसाइटीज के फॉर्म में या ट्रस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे बेटा वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड, कोऑपरेटिव जो है वो लैटिन वर्ड कोऑपरी से एग्जिस्टेंस में आया है। को का मतलब क्या बेटा, विथ, ऑपरी का मतलब वर्क। आप लोग काम क्यों कर रहे हैं, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आप काम करते हैं। किसके बेनिफिट के लिए आप काम करते हैं बेटा, अपने मेंबर्स के लिए, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वॉलंटरी एसोसिएशंस जो कि आप अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए आप एग्जिस्टेंस में लाते हैं, ठीक है। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इनका जो है पैसा कमाना मोटिव नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सर्विस देना मोटिव है, ठीक है। म्यूचुअल हेल्प इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, लोगों आपस में ही लोगों की मदद करो, मेंबर्स की मदद करो, कंपटीशन मत करो, ठीक है। और सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस, भाई अपनी मदद करो, किसी पर डिपेंड मत हो, ये आपका मोटिव रहता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती है अपने कंट्री में, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों बनाते हैं, अब आप ये पहले समझो। देखो यार आपको सोसाइटी बनाने के लिए 10 लोग चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, जो कि कैसे हो बेटा, मेजर हो, ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता है। अब भाई साहब ये क्यों बनाते हैं आप, अब आप ये इसीलिए बनाते हो ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फार्मर हो, आप लोग कौन हो,
फार्मर्स, है ना। अब यार फार्मर्स को लगता है खाद फर्टिलाइजर लगता है, 1 किलो फर्टिलाइजर आता है 100 रुपए का। कितने का आता है बेटा? 100 रुपए का फर्टिलाइजर आता है 1 किलो, ठीक है। अब यार आपको तो 1 ही किलो चाहिए, बट हाँ वो दुकान वाले ने बोला कि भाई साहब देखो अगर आप 10 किलो लेते हैं तो मैं आपको कितना दे दूंगा, मैं आपको 95 रुपीज केजी दूंगा, बट क्या आप 10 किलो लोगे क्या? नहीं। तो आप क्या करते हो, आप एक सोसाइटी बनाते हो, ठीक है, जिसमें कि आपके जैसे और जो फार्मर्स हैं जिन्हें ये सब चीजें लगेगी, फार्मर्स हाँ, तो आप लोगों को क्या चाहिए बेटा, ऐसे 10 लोग चाहिए जो भी फार्मर्स हैं वो लोग आप साथ में लाते हैं, उनके साथ मिलकर आप सोसाइटी बनाते हैं। और जब आप ये लेते हैं तो आपको ये चीज़ कम में मिल जाती है, जो पहले 100 में मिल रहा था वो अभी 95 में मिल जाएगा। तो ये जब आपको 95 में मिला मतलब आपको बेनिफिट हुआ, तो ये बेनिफिट किसको हुआ? मेंबर्स को हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, 10 लोग चाहिए जो कि मेजर हो और जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, ये चीज़ चाहिए 10 लोग कम से कम जो कि मेजर है और जिनका कॉमन इंटरेस्ट है। अब सोसाइटी अलग अलग टाइप की रहती है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्यों बनाई जाती है बेटा, ताकि कंज्यूमर्स को जो है वो, अब जो मेंबर्स हैं कंज्यूमर्स, ये मिलकर सोसाइटीज बनाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, इनको बाईपास करके सीधा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से सामान लेते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे अपना बाजार हो गया, है ना। ये एक एग्जाम्पल है किसका बेटा, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फिर आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं रहता है कि वो बड़ी बड़ी मशीन्स ले पाए, क्योंकि बड़ी मशीन्स एडवांस मशीन्स लेंगे तभी तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा ना, तभी तो वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को टक्कर दे पाएंगे। तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलके क्या करते हैं बेटा, इनपुट्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया या कोई मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, एक बड़ी सोसाइटी बना लेते हैं और फिर वो लोग बल्क में इनपुट्स वगैरह लेते हैं ताकि उन लोगों को इनपुट सस्ते में मिले। फिर आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये क्या करते हैं बेटा, आप लोग फॉर एग्जांपल अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल इसका अमूल है, है ना। छोटे छोटे जो आपके जो आपके बिजनेसमैन हैं उन लोग के, आप प्रोड्यूसर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग अपने गुड्स को मार्केट कर सके, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, राइट, और वो सोसाइटी जो है उनके प्रोडक्ट को फिर मार्केट करती है, ठीक है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करके फिर बड़े लेवल पर काम करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नाम से समझ में आ रहा है, गांव में लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जिसको फंड्स की ज़रूरत है उसको पैसा दे देते हैं। ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो साहूकार हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनके चंगुल से लोगों को बचाया जाए। और बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म्स के साथ में आपके लोन देती है, कभी देती है कभी नहीं देती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को काफ़ी आसानी से लोन जो है वो दे देती है। फिर इसके बाद में आता है फार्मिंग। अभी देखा हम लोग को फार्मिंग के लिए जो सोसाइटीज़ बनाना पड़ेगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप बड़ा सा प्लॉट ले लो, उसमें क्या करो, मेंबर्स लोग मिलके सोसाइटी बनाओ और बड़ा सा प्लॉट लो, उसमें घर बनाओ अपने हिसाब से और जिसको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप घर बेचो लोगों को, ठीक है, मतलब मेंबर्स को। अब इसमें अगर आप देखो तो ये कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशंस है जो आप लोग देखेंगे एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, मैं इतना पानी पी लूँ यार। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो क्या है बेटा, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। भाई आप लोग अपनी मर्जी से, जो मेंबर्स हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, 10 लोग रहना चाहिए, है ना। अब भाई अपनी इच्छा से लोग आते हैं साथ में और वो लोग सोसाइटी बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका जात, रंग, धर्म, जो भी है, है ना, कुछ नहीं देखा जाता है, बस 10 लोग चाहिए, कम से कम 18 साल से ऊपर के रहने चाहिए और वो लोग सोसाइटी बना सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट वाले होने चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि लॉजिक क्या, कॉमन इंटरेस्ट रहेगा तभी तो सेम जरूरत रहेगी ना। अब 5 लोग ऐसे हैं जिनको ब्यूटी पार्लर खोलना है, 5 लोग ऐसे जिनको किसान है, अब ऐसे 10 लोग मिल गए, यार ब्यूटी पार्लर वाले को फेयरनेस क्रीम चाहिए, किसान को खाद चाहिए, अलग अलग कॉमन इंटरेस्ट रहना चाहिए। सेपरेटिकल एंटिटी है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, भाई सोसाइटीज जो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजिंग कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है, मेंबर्स जो है वो लोग आपस में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके मैनेजिंग कमिटीज बनाते हैं और वो मैनेजिंग कमिटी जो है वो मैनेज करती है। फिर इसके बाद में आता है सर्विस मोटिव, आप क्यों बनाते हैं बेटा, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, आपस में लोगों को मदद करने के लिए सोसाइटीज बनाई जाती है, राइट, और आपको अपने मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाना है,
आप लोग को जो भी फायदा हो रहा है वो मेंबर्स तक पहुंचाना है, ठीक है। इसलिए सर्विस मोटिव से ये बनाई जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, जो भी आपका क्या कहते हैं सरप्लस आ रहा है वो आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड के तौर पे आप बांट सकते हो, ठीक है। इट मे डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू 90% ऑफ सरप्लस, है ना। आप डिविडेंड के तौर पे मेंबर्स को 90% तक दे सकते हो, 10% जो वेलफेयर के लिए मेंबर्स के लिए अलग से रख सकते हो। कैश ट्रेडिंग, बैड डेट्स नहीं रहते बेटा इसमें, क्योंकि कैश में ट्रेडिंग होता है। फिर इसके बाद में आता है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। भाई साहब अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको फिक्स रेट पे इस पे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, 9% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। भाई गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, सपोर्ट करती है आपको, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी इसके ऊपर में रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया है, इंडियन कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, तो ये एक्ट के हिसाब से आप काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कैपिटल। अगर आप देखें तो कम से कम 10 लोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, तो कैपिटल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, राइट। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके। एडवांटेजेस क्या है, काफ़ी आसान है भाई बनाना। आप लोग बायलॉज बनाओ, कानून क्या है वो देख लो और 10 लोग मिलकर बना लो। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हमने देख लिया, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसमें। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, मेंबर्स के आने या जाने से सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता नहीं है। कम दाम पे गुड्स या सर्विसेज दी जाती है। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है सोसाइटी। फिर इसके बाद में सोशल एडवांटेज, भाई जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोलीज चल रही है, जो दादागिरी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए हम सोसाइटीज बनाते हैं। सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, कई बार हमारे पास में जो एक्स्ट्रा फंड है हम लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करके भी रख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद में रिमूव्स डिफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म। भाई साहब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना लोगों का, कंज्यूमर्स का, वर्कर्स का, तो वो खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये कैपिटलिज्म, इसको खत्म करने के लिए हम लोग मोनोपोलीज को खत्म करने के लिए हम सोसाइटीज बनाते हैं। कैश में ट्रेडिंग हो रहा है तो बैड डेट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है भाई साहब, कई बार क्या रहता है गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से सपोर्ट करती है आपको। आप अगर मान लो एजुकेशनल सोसाइटी बना रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटी बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपको मदद करती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। यार ये कौन लोग बनाते हैं सोसाइटी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बनाते हैं। अब यार जब लोगों के पास में पैसा कम रहेगा तो सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूशन कम आता है। फिर आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं रहता इसमें, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्यों यार, सोसाइटी के पास में पैसा कम रहता है ना, तो इसलिए सोसाइटी के मेंबर्स आपस में से ही वॉलंटरी सर्विस देते हैं कि भाई हम काम कर देते हैं, ठीक है। अब वो लोग कोई एक्सपर्ट थोड़े ही हैं, तो इसीलिए उनको वो लोग पार्ट टाइम के बेसिस पे काम कर लेंगे या कैसे भी वो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत जाती है। लैक ऑफ यूनिटी अमंग मेंबर्स, भाई लोगों में यूनिटी नहीं रहती है। कई बार ऐसा हो, इतने सारे लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, है ना। मोटिवेशन नहीं रहता। अब जब पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को काम करने के लिए, खुद ही काम कर रहे हैं, सभी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन नहीं रहता है। कैश ट्रेडिंग है तो भाई आपका सेल्स कम हो सकता है। व्हाट इफ किसी के पास में पैसे कम है, पैसे नहीं है, तो वो पैसे कैसे, मतलब गुड्स कैसे खरीदेगा, तो सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब भाई अगर गवर्नमेंट है तो यार थोड़ा तो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो कमी करेगी। अब मैनेजिंग कमेटी में अगर किसी गवर्नमेंट का या किसी शेयर होल्डर का बंदा अगर आ गया, तो वो तो अपने पार्टी के हिसाब से ही काम करवाएगा ना आपसे, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बिजनेस सीक्रेसी नहीं रहती है इसमें, आपको बताना पड़ता है। फिर इसके बाद में आता है अनवांटेड इंटरफेरेंस बाय डिपार्टमेंटल पर्सन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कोई और डिपार्टमेंट हो गए, ये सब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस चलते ही रहता है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। भाई बहुत आसान, ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, देखो पार्टनरशिप के कुछ फायदे। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जिसमें पार्टनरशिप के जैसा आपके पास में फ्रीडम हो काम करने का, और जिसमें लाइबिलिटी कंपनी में जैसे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, वैसी लाइबिलिटी भी लिमिटेड चाहिए थी, ठीक है। तो ये दोनों को जो ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों फीचर्स को मिला के जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो था LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP जो है बेटा, LLP को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। अब LLP जो है वो दोनों के एडवांटेजेस कंबाइन करता है, कंपनी और पार्टनरशिप के एक ही इसमें। अब LLP इज वन पार्टनर, इन एन LLP वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट, है ना। जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट था पार्टनरशिप में, वो यहाँ पे नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे पार्टनरशिप में होता था कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे LLP अग्रीमेंट बनाते हैं, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, तो दूसरों की वजह से आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा अपन लोग। सबसे पहले
इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी कॉर्पोरेट है और सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा इसका, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो है बेटा एलएलपी में, वो आपस में क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वो अग्रीमेंट में लिखा रहेगा, एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा रहेगा और एक्ट के बेसिस पे वो एलएलपी अग्रीमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। एलएलपी ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि खुद का असेट्स जो है वो खरीद सकता है, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकता है, वो जो है वो किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद में हर एक पार्टनर का जो है वो इक्वल अधिकार होता है एलएलपी के ऊपर, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलता है। एडवांटेजेस क्या है बेटा, सेफ्टी लीगल एंटिटी है, बनाना काफ़ी आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें बस वही है कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको चाहिए कम से कम, है ना, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए और दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको चाहिए। फिर सर परपेचुअल एग्जिस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, पार्टनर में कोई चेंजेस आए कोई दिक्कत नहीं है, एलएलपी कंटिन्यू रहेगी रहेगी, है ना। फिर इसके बाद में आता है इंटरनेशनली रिनाउंड बिजनेस का फॉर्म है ये, मिनिमम कैपिटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना। एलएलपी और उसके पार्टनर्स का अलग अलग एग्जिस्टेंस रहता है, कॉमन जो है एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके लिए पार्टनर्स जो है वो दूसरे के एक्ट के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स जो है वो एक्सपोज नहीं होते, क्यों, बिकॉज लिमिटेड लाइबिलिटी है, ईजी टू डिजोल्व या वाइंड अप, खत्म करना भी काफी आसान है, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन सीक्रेट स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स या आपकी जो नॉर्मल जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो मेंटेन करो, कोई स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड रखने का एकदम ऐसा कंपल्शन नहीं है। ये थोड़ा सा कम कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कंपनी, कंपनी को अगर आप कंपेयर करेंगे कंपनी से तो ये बनाना थोड़ा कम खर्चीला है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है डिसएडवांटेजेस क्या है, भाई आप पब्लिक से फंड्स नहीं ले सकते, ठीक है। An act of partner without any without the order may bind the LLP. हाँ भाई साहब आप लोगों without the other मतलब एक partner की गलती जो है वो LLP को के ऊपर भारी हो सकती है, भले partners की गलती ना, partners बाकी partners ना फंसे, but LLP के तो फंस सकता है। फिर under some cases liability may extend to personal assets of partners, भाई कुछ cases ऐसे हो सकते हैं, है ना, जिसमें कि personal liability partners की भी आ सकती है। मैनेजमेंट जो है वो ओनर्स के पास ही रहता है। अब चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस, अब क्या कौन सा बिजनेस चूज करोगे, तो देखो यार आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप सर्विस देना चाहते हो, छोटा बिजनेस करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना चाहते हो, कंपनी बनाओ, आप वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, है ना, अगर आप लोग छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में काम करो, बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं आपका कंपनी बनाओ। एरिया ऑफ ऑपरेशंस, भाई आप लोग बहुत बड़ी एरिया में काम कर रहे हैं कंपनी बनाओ, छोटी मोटी घर के पास में काम कर रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करो, या डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। फाइनेंस कैसा चाहिए, भाई अकेले छोटे से पैसे में अगर आपका काम हो जा रहा है तो ठीक है आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में काम करो, अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी बनाओ, अगर आप खुद कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने पास में पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है, कंट्रोल किसी और के पास में रहा तो चलेगा, आप क्या करो कंपनी बनाओ। लाइबिलिटी लिमिटेड रही, लिमिटेड चाहिए तो कंपनी बनाओ, अनलिमिटेड तो कंपनी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ। इंडिपेंडेंस, भाई आपको क्या चाहिए, गवर्नेंस, अगर आपका गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ आपका इंटरफेरेंस चाहिए तो भाई आप लोग चलता है तो कंपनी बनाओ, नहीं चलता है अगर खुद का काम करना है कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि भाई जिसके बेसिस पे आप कंपनी चला सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, अब आगे वाले चैप्टर पर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, एक मिनट जी, रिकॉर्ड तो हो रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि एक बार ही ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, घंटे तक बड़बड़ करते रहा और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई साहब। चलो हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट देख लिया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देख लिए, फटाफट अभी देखेंगे हम लोग स्केल ऑफ बिजनेस, भाई आप कौन से लेवल पे कौन से स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, है ना। अब इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, MSMED एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है,
एंटरप्राइज का मतलब है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मींस एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, या तो एक बिजनेस कंसर्न या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। एंटरप्राइज का मतलब क्या है, ये देखो, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। अब ये एंटरप्राइज का मतलब क्या है, वो कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो सकती है, या तो वो बिजनेस कंसर्न हो सकता है, या तो फिर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, आप उसे कोई भी नाम से बुलाओ, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के गुड्स में इन्वॉल्व है, जो कि गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन से गुड्स और कौन सा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो भाई साहब ये जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 का जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1951 का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें कुछ दिया है ना, उसमें कुछ स्पेसिफाई किया है नाम, तो ये इंडस्ट्रीज में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे एंटरप्राइज को हम लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्राइज कहेंगे, ठीक है, या फिर कोई जो सर्विस दे रहा है। अब इसके लिए ना बेटा जो आपका एमएसएमईडी है वो तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन या तो माइक्रो रहेगा या तो स्मॉल रहेगा या मीडियम रहेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन या तो माइक्रो रहेगा या स्मॉल रहेगा या मीडियम रहेगा, ठीक है। अब देखो आप लोग या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं या सर्विस का काम कर सकते हैं। अब सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा प्लांट एंड मशीनरी में, आपका इन्वेस्टमेंट किस में रहेगा, प्लांट और मशीनरी, है ना। कोई भी चीज बनाना है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट किस में लगेगा, प्लांट में लगेगा और मशीनरी में लगेगा। बट अगर आप किसी चीज का सर्विस दे रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट किस में रहेगा बेटा, इक्विपमेंट, औजार, है ना, इक्विपमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। सर्विस में जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा इक्विपमेंट्स में, और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो भाई साहब आप माइक्रो लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, एकदम छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन कहलाए जाओगे अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक है तो, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए तक है तो आप कौन से कहलाए जाओगे, माइक्रो, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू ₹25 लाख तो आप माइक्रो कहलाए जाओगे, ठीक है। अगर आप सर्विस देने का काम करें तो आपका इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 10 लाख रुपए तक है तो आप क्या कहलाए जाओगे, आप कहलाए जाओगे माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज आप कब कहलाए जाओगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़, इट इज मोर देन 25 लाख बट लेस देन 5 करोड़, तो उस केस में आपका क्या रहेगा बेटा, इट विल बी नोन एज योर, इट विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन आपका इक्विपमेंट, अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 10 लाख बट लेस देन 2 करोड़, तो आप सर्विस वाले, सर्विस प्रोवाइड करने वाले एंटरप्राइज कहलाए जाओगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज विच इज प्रोवाइडिंग सर्विस। अब मीडियम स्केल के आप कब कहलाए जाओगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस यू आर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 5 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से कम है तो आपको क्या कहलाया जाएगा, मीडियम स्केल का एंटरप्राइज कहलाया जाएगा। और आप सर्विस सेक्टर में हो, ऐसा कब कहा जाएगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स 2 करोड़ के ऊपर है बट 5 करोड़ से कम है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है ना बेटा, ये कोई शौक से माइक्रो एंटरप्राइज नहीं बनता बेटा, ये जरूरत से माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। इट इज दीज एंटरप्राइजेस आर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेट नॉट बाय चॉइस बट आउट ऑफ नेसेसिटी। क्यों भाई साहब, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए छोटे लेवल से काम करना शुरू करना पड़ता है। पैसा रहता, रिसोर्स रहता तो हम बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही डालते, है ना, तो इसलिए आप छोटे लेवल पे काम करते हो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, वो जॉब क्रिएट करके देते हैं, वो आपके लोगों का जो इनकम है वो बढ़ाते हैं, आपका परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ाते हैं, कॉस्ट कम करते हैं, खर्चा कम लगता है इसमें, और बिजनेस का कन्वीनियंस इसमें बढ़ता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब देखो यार, किसी भी देश के डेवलपमेंट में माइक्रो एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फॉर्म अ माइक्रो एंटरप्राइज, है ना,
छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आसानी से बनते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत आसानी से बनती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो रहते हैं. ठीक है, अब भाई ये लोग कैसे काम करते हैं, ये लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं, छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस पे ये लोग काम करते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखें तो वही चीज आप लोग को बताया बेटा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया है गवर्नमेंट ने, बोला कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो एंटरप्राइज का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के केस में प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए तक है तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले कहलाए जाओगे. अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपका इक्विपमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स रहना चाहिए 10 लाख रुपए तक, सेम चीज है. और भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले जो उसका डेफिनेशन दिया गया था वो ऐसा था कि भाई द डेफिनेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था वो चेंज होते गए काफी समय तक, है ना. फिर उसने क्या था, पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई अगर आप पावर यूज कर रहे हैं तो आपके पास में जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने रहने चाहिए बेटा, 50 से कम. एम्प्लॉयज जो कितने रहने चाहिए, 50 से कम. अगर आप पावर यूज नहीं कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा बट 100 से कम एम्प्लॉयज रहने चाहिए तो आप स्मॉल स्केल के कहलाए जाओगे. बट अगेन ये डेफिनेशन नहीं है, हम लोग ने जो डेफिनेशन देखा वो क्या कौन सा था स्मॉल स्केल का, अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना रहना चाहिए, 25 लाख से ज्यादा बट 5 करोड़ से कम. और अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपका इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम रहना चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो दो इसमें डिवाइड की जा सकती है, एक तो है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरी है मॉडर्न. ट्रेडिशनल क्या चीज करती है बेटा, वो खादी, हैंडलूम, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, ये सब का काम करती है. मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है बेटा वो क्या करती है, वो कंपैरेटिवली सिंपल आइटम्स बनाती है, जैसे असेंबलिंग का काम करना, आपका टेलीविजन सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, ये सबको असेंबल करने का काम करती है क्या बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो सर्विसेज, छोटे छोटे पार्ट्स प्रोवाइड करके देना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, ये भी मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का काम, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती है. ठीक है, अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिए हैं बेटा कि आप लोगों का 1979 और 80 में आपका क्या स्टैट्स था, फिर बाद में क्या है, ये स्टैट्स आप लोग एक बार देख लेंगे. अब भाई साहब मॉडर्नाइजेशन में आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनमें अगर आप देखें तो पहले से बेहतर जो आपका मशीनरी है वो अच्छी आ रही है. आप केमिकल्स का काम कर सकते हैं, ग्लास प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, सेरामिक्स का काम कर सकते हैं, तो मॉडर्न कामों में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो रही है. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है, तो भाई साहब प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी है ना, तो उन लोगों का जो पूरा नेशनल प्रोडक्शन जो आपका हो रहा है उसमें 40% ऑफ ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू जो है वो ऐड कौन करता है बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती है. एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉय, देखो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हो सकता है लगभग 30-40-50 लोग इन्वॉल्व हो, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी सारी है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. ठीक है, तो यार ये बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं. फिर एक्सपोर्ट, आपके यहाँ से 45-50% का जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ से जाता है बेटा, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्यों अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बिकॉज इसमें कैपिटल कम लगता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना. मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजें सिर्फ रिजर्व्ड है स्मॉल स्केल, ये बनाएगा तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएगा, ऐसा रिजर्व्ड है कुछ चीजें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. फिर आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप लोगों को मिलता है, फंडिंग इजीली मिल जाती है आप लोगों को, फिर मशीनरी प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट हेल्प करती है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में आपको हेल्प मिलता है, ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, टूल्स मिलते हैं, एक्सपोर्ट में आपके लिए रिजर्वेशन किया जाता है, ये सब आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए आप लोग का ग्रोथ काफ़ी आसान है. ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर इंडियन प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है भाई आप लोग जो है कहीं से भी अगर बाहर का सामान मंगाते तो कौन सा सामान मंगाएंगे, जो उधर की स्पेशलिटी है वो मंगवाएंगे ना, सीधी सी बात है. जो हमें सब जगह, यार नाइकी के शूज थोड़ी लेकर आओगे आप बाहर जाओगे तो, सीधी बात है ना, नाइकी के शूज वहां भी मिलते हैं यहाँ भी मिलते हैं, इट्स नॉट दैट, वहां की जो स्पेशलिटी वो लाओगे. वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना बेटा वो लोकलाइज चीजें बनाती है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती है ऐसे कुछ बनाती है जो कि सबको लगे, सबको अच्छे लगे ओवरऑल ग्लोब पे, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रहता है जो स्पेशलाइज चीजें हैं, जो एक ही जगह पे जो चीजें लगती हैं वही चीज वो बनाती हैं, है ना, लोकली रिसोर्सेज यूज करके वो सामान बनाएगी. तो इस वजह से क्या होता है, बाहर के जो लोग हैं उनको ये लोकल चीजें ज्यादा पसंद है,
यार बाकी चीजें तो सभी जगह मिलती है, उनके यहाँ पे भी मिलती है, तो इसीलिए अपने यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा है। वेलफेयर की अगर आप बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना यार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आप काम करें तो ये इंडस्ट्रीज में आपका काम जनरेट करती है, दूसरा ये लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली करती है, फिर ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती है, अच्छा करती है ना। तो दीज आर सम ऑफ दी एडवांटेजेस जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोगों को पहुंचाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी है भाई? वो इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं, कैपिटल ज्यादा रहता है ना, आप लोग के पास में फंड्स की कमी नहीं है, है ना, आप लोग के पास में प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, तो इसीलिए आप लार्ज स्केल पे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। पब्लिक एंटरप्राइज, अभी देखा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास, जिनका कंट्रोल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है, इनके पास में पावर जो है वो गवर्नमेंट का रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन देखा। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस जो रहते हैं ना बेटा, ये बेसिकली तीन टाइप के रहते हैं, एक रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा रहता है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा रहता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये तीन टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। ठीक है, नाउ आई होप आपको ये पता है, पब्लिक सेक्टर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में, उसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एंटरप्राइज। अब पब्लिक एंटरप्राइज की अगर आप बात करें तो ये ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास में रहता है, राइट, पहली बात। दूसरा, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो डिसीजंस खुद ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन हो गया, ये खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, खुद से किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का रहेगा। सर्विसेज देने के लिए पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूजफुल है। मोनोपोलीज जो है उनको प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना आए इसीलिए भी बनाए जाते हैं, और इनकी खुद की भी मोनोपोली रहती है ना, इनकी खुद की भी मोनोपोली रहती है जब भी आप लोग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज फॉर फॉरेन मनी, जब बाहर से पैसा जो आता है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय करवा सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्यों पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है? बिकॉज पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों के पास से पैसा आ रहा है, इसीलिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है। एजेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो कहाँ से कैसे इंप्लीमेंट होगा भाई साहब? वो यहीं से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप अपना हिसाब से फंड्स जो है वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म्स अगर मैं आपको बताऊं तो तीन फॉर्म है, मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दूसरा है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या रहता है बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री, है ना। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है अपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू, जैसे आपने सुना होगा रेलवे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू काम कर रही है बेटा, तो मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिसेज रहते हैं जिसके थ्रू ये मिनिस्ट्रीज काम करती है, वो डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो रहती है ना बेटा, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ, इनका खुद का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। इनके पास में फाइनेंस जो है वो मिनिस्ट्री जो है वो देती है, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देखो इसका मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बता दूं, इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, इसमें जो फंड्स हैं, फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट के ट्रेजरी से आते हैं। ठीक है, तीसरा भाई, ये सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, राइट। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, ये कुछ मेन बातें हैं किसकी बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। फिर आता है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, जो हम लोग ने अभी देखा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी स्पेशल एक्ट के वजह से एग्जिस्टेंस में आया है उसे हम कहेंगे स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, राइट। उसका जो पूरा एक्ट में जो काम करने का तरीका है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीजें अपने एक्ट में दी रहती है।
गवर्नमेंट कंपनी भाई वो कंपनी है जिसमें कम से कम 51% का पेड अप कैपिटल किसके पास में बेटा, गवर्नमेंट के पास में। कोई भी ऐसी कंपनी, एनी कंपनी जिसका एटलीस्ट 51% का पेड अप कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास में है तो वो कंपनी विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीन टाइप है बेटा किसके, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के तीन टाइप्स है, राइट। एक बार फटक से आप लोग ग्लांस कर लें इसे, मैं जब तक मॉम पी लेता हूं। आई होप रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। चल आगे बढ़े बच्चा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, नाम से बहुत इजी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक देश से ज्यादा देश में काम करता है, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ बातें बता दूं आप लोगों को, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस के बारे में। भाई सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पर टाटा, ठीक है, टाटा इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब ये एक इंडियन कंपनी है, तो हमारा इंडिया जो है बेटा, इंडिया इज द होम कंट्री। अब देखो टाटा की अगर अपन बात करें, ठीक है, टाटा ये MNC है, ये कहाँ का है बेटा, इंडिया का कंपनी है, तो इंडिया क्या हो गया इसका, इंडिया हो गया होम कंट्री, ठीक है। अब यार टाटा अगर US में कोई ब्रांच खोलता है या UK में कोई ब्रांच खोलता है तो भाई ये कौन सी कंट्रीज हो गई, दीज विल बी नोन एज होस्ट कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज कहलाई जाएगी, होस्ट कंट्रीज। अब यार यहां पे जो इसका टाटा का ऑफिस है, यहां पे जो ऑफिस है, ये ऑफिस को कंट्रोल कहां से किया जाएगा, होम कंट्री से कंट्रोल किया जाएगा। इसको कंट्रोल कहां से किया जाएगा बेटा, होम कंट्री से कंट्रोल किया जाएगा। कौन से, जो टाटा का हेड ऑफिस है इंडिया में, है ना, होम कंट्री का जो ऑफिस है वहां से ये ऑफिस इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये पहली बात, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास में फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, फंड्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये होम कंट्री से भी फंड्स ले सकती है, होस्ट कंट्रीज से भी फंड्स ले सकती है। लोग भी इच्छा रखते हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, इनको पैसा देने का, क्यों, बिकॉज इनके पास में फंड्स की कमी नहीं है। देखो आप लोन उसी को दोगे जिसके पास में पैसा रीपे करने की क्षमता हो, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनको फंड्स इजीली मिल जाते हैं। दूसरा, इनका मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, कोई भी एरा गैरा नत्थू गैरा यहाँ पे मैनेज नहीं करेगा, मैनेजमेंट जो है वो बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन लोगों का रहता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है भाई फंड्स की कमी इनके पास नहीं जाती है, ठीक है, इनको मैनेज करते कंट्रोल किया जाता है होम कंट्री से, ठीक है। फिर इसके बाद में आता भाई ये लोग बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। ये लोग मार्केटिंग कैसा करेंगे बेटा, अग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनके R&D में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है, क्यों, बिकॉज यार इन लोगों का कंपटीशन इतना तगड़ा रहता है, क्योंकि अपने ही देश में कंपटीशन नहीं है इनका, इनका कंपटीशन पूरे बाकी के देशों में जहां पे ये काम कर रहे हैं उनसे भी इनका कंपटीशन है, तो इनका R&D में काफी ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रहता है। ये लोग बहुत ज्यादा हाईटेक मशीनरीज या हाई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अच्छा यूज करते हैं, ठीक है, एंड दे हैव मेनी पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स अंडर देयर बेल्ट। तो काफी सारे पेटेंट्स रहते हैं, ट्रेडमार्क्स रहते हैं इन लोगों के पास में, तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं ये लोग, एक ही देश में नहीं दूसरे देशों में भी, ठीक है। अब क्यों करते हैं आप लोग MNCs में एंटर, या MNCs क्यों बनाई जाती है, दूसरे देशों में जाके काम क्यों करते हैं, बिकॉज हो सकता है वहां पे आपको रिसोर्सेज कम से कम मिल रहे हो, वहां पे ट्रेड बैरियर्स ना हो, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जा रहा है, लेबर जो है वो आपको कम खर्चे में मिल जा रहा है ना, तो ये कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से आप लोग दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, ठीक है। अब यार दूसरे देश का इन्वेस्टमेंट भी अपने देश में आता है अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी के, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के तौर पे काम करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप लेबर की बात करें तो कई बार क्या होता है, दूसरे देशों में जो लेबर है वो आपको ईजिली मिल जाता है, इसलिए भी आप लोग क्या करते हैं बेटा, आप लोग मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर काम करते हैं। गुड्स जो है वो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। इमेजिन करो यार, आपके नाइकी की चप्पल या नाइकी के शूज और नॉर्मल कोई भी ऐसी नॉर्मल शूज, ठीक है, बाटा का ये सब शूज अगर आप देखो तो यार, तो भी नाइकी का थोड़ा ब्रांड अच्छा है, या तो फिर आप देखो क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, है ना। टैक्सेस कई बार बचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहता है, तो दीज आर सम ऑफ दी बेनिफिट्स और द की पॉइंट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। पॉल्यूशन अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, अपने देश में गड्ढा नहीं करते, बट दूसरे देशों में जाके आप क्या करते हो,
पोल्यूशन वगैरह करके आते हैं, तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, है ना। मेरिट्स की अगर आप बात करें तो भाई साहब आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़ जाता है अगर दूसरे कंट्री का एमएनसी आपके यहाँ पे काम करने आ रहा है तो। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, दूसरे देश का जो आपका टेक्नोलॉजी है वो आपके देश में आके आपके लोगों को अवेलेबल हो जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि देखो अगर एक एमएनसी आपके यहाँ पे काम कर रही है तो उससे रिलेटेड जो बाकी काम है बेटा वो भी आपके यहाँ पे आता है ना, वो भी आपके यहाँ पे इजीली हो जाएगा। अब देखो यार अगर मल्टीनेशनल कंपनी की अगर अपन बात करें तो एप्पल तो आके यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है, फोन बना रहा है, बट उसका लॉजिस्टिक्स हो गया, बाकी सब चीजें वो तो अपने आके लोग करेंगे ना, तो ये सब चीजें भी होता है। फिर इसके बाद में आता है एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलता है, इम्पोर्ट्स कम होते हैं। फिर इसके बाद में होता है भाई आपका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है इसके अंदर में, आपका रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज किए जाते हैं, वेस्टेज नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको फायदा मिलता है, आपका होस्ट कंट्रीज से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, डोमेस्टिक मोनोपोलीज जो है वो ब्रेक हो जाती है ना। बाहर की कंपनीज अगर आती हैं तो जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज हैं जो अपना दबदबा बना के रखी थी उनका थोड़ा सा दबदबा कम हो जाता है, बाहर की कंट्रीज जो है वो इजीली कम दाम में अपने को पैसा दे सकती है, सॉरी गुड्स जो है वो दे सकती है। फिर एडवांटेजेस टू होम कंट्रीज क्या है बेटा, इट फैसिलिटेट्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन अपना बढ़ता है। फिर इसके बाद में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है वो अच्छा होता है। डीमेरिट्स की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव्स क्या है भाई, हो सकता है दूसरी कंट्री अपनी अपने यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट को हार्म हो सकता है। फिर आपका जो बहुत ज़्यादा फीस, अब यार कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो कि भारी भरकम फीस चार्ज कर ले, है ना, कुछ कंपनीज ऐसी रहेगी जो कि मोनोपोलीज अपने यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा दें, मोनोपोली क्रिएट कर दें वो लोग, है ना, अपने यहाँ के रिसोर्सेज को बेधड़क यूज करें ताकि रिसोर्सेज खराब मतलब यूज में ना आ पाए आगे, है ना। फिर इसके बाद में डोमेस्टिक जो पॉलिसीज हैं वो लोग ज़्यादा अपना प्रॉब्लम दे सकती है तो हमारी एमएनसी बाहर काम नहीं कर पाएगी, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों की लाइफस्टाइल पे अफेक्ट कर सकता है अगर कोई प्रॉपरली काम ना करे मोनोपोली तो, ठीक है। फिर इसके बाद में आता भाई इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम, भाई अगर बहुत बड़ा पावर है ना तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा ही करेगा। फिर टैक्स लाइबिलिटीज में प्रॉब्लम आएगी, है ना, आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हो, यहाँ पे साला पैसा नहीं भर रहे हो, लेके जा रहे बाहर, प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रेन ड्रेन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, भाई डेवलपिंग कंट्रीज को आप क्या बोलते, अरे जैसे चाइना करता है वो जाएगा, अरे तुमसे नहीं हो रहा हम कर देते हैं, कोई बात नहीं हम कर देते हैं, तुम हमको करने दो साला। फिर वो पोर्ट का पोर्ट जो है ना, ये श्रीलंका में किया उसने, अभी बांग्लादेश के साथ में करने वाला था कि भाई पोर्ट का पोर्ट श्रीलंका का उसने ले लिया यार लीज पे, है ना, पैसा दे नहीं पाया श्रीलंका तो उसने पोर्ट का पोर्ट ही लीज पे ले लिया। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग, ठीक है। अब एमएनसीज के साथ में ये प्रॉब्लम है, बट एमएनसीज जो है वो कई सारी कंट्रीज को डेवलप करने में भी प्रॉब्लम मतलब हेल्प किया है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, है ना, बिजनेस में नए नए तरीके क्या हैं जो आए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा भाई साहब कि आप लोगों का जो आप बिजनेस कर रहे हैं द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, बिजनेस एनवायरनमेंट देखा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखा, फिर इसके बाद में हम लोगों ने स्केल ऑफ बिजनेस देखा। बहुत ईजी सी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, राइट, बेसिक बेसिक। देखो यार गाइज हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जा सकते अभी बिकॉज टाइम नहीं है उतना, है ना, इतने डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ जो हम लोग पूरा नॉर्मल एक एक चैप्टर तीन तीन चार चार घंटे चलता है, पाँच पाँच घंटे चलता है, वो चीज़ हम लोग अगर पूरा सिलेबस अगर तीन चार घंटे में करने की कोशिश करें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग बस गो थ्रू कर सकते हैं कि ये है ये है ये है ये है ये है, है ना। तो आप लोग प्लीज़ वो चीज़ थोड़ा सा समझें, है ना, और कोई भी दिक्कत जाती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, और वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस, है ना। अब देखिए भाई बिजनेस में नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, ये चैप्टर में दिया है। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अब सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर रहेगा, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप बल्क में वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेते हैं, ठीक है, आप बल्क में वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेते हैं और आप कोशिश करते हैं लोगों को वो सामान बेचने की, आप कोशिश करते हैं वो लोगों को सामान बेचने की। आपने देखा होगा न्यूट्री चॉइस हो गया, फिर आपका
एक्सक्यूज मी एम्वे हो गया, ये सब का आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा कि आप बल्क में सामान खेलो, खरीद लो, फिर आप आगे बेचो, है ना। तो ऐसे जितने मेंबर्स जुड़ते जाएंगे आप लोगों को उतना बेनिफिट भी मिलते जाएगा। अब ये दिस इज नोन एज नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कहा गया, हाँ ये क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, ये क्या करते हैं, आपको बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो लोग रहते हैं, देखो अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बंदे को क्या करेगा, अपना सामान बेच देगा इसको, अब ये कुछ लोगों को सामान बेचेगा, फिर ये और लोगों को सामान बेचेंगे, तो इस तरीके से काम होता है, है ना। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं उनका बेनिफिट जो है वो पास ऑन होते जाता है ऑर्गेनाइजेशन तक, ठीक है। सो हर एक लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना सब डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अब जैसे मान लो ये कंपनी से ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिया, इसने इन लोगों को सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं, लोगों को सामान बेच रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इट कैन ऑपरेट, राइट। ये क्या है बेटा, इसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। अगर वो सिंपल भाषा में अगर बोले तो इट इज अ मेथड ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेस इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहते हैं, यूज करता है कि वो लोग पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सके, कि वो लोग क्या कर सके, पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सके। ये डिजिटल मार्केट आपका जो मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग होता है, उसमें ये काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, सॉरी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है बेटा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेल प्राइस पे गुड्स ले लेते हो और आगे बेचते हो। अब जब आप गुड्स आगे बेच रहे हो तो आपका एक प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा, आपको उस पर कमीशन भी मिलता है, एंड अगर आप जितने ज्यादा गुड्स बेचेंगे आपकी टारगेट्स कंप्लीट होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स बेसिकली, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो थ्योरी में आप लोग को बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स परचेज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड मे ईदर यूज डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स, वो खुद भी यूज कर सकते हैं या तो फिर वो लोग आगे भी बेच सकते हैं प्रॉफिट पर, ठीक है। इन एडिशन उन लोगों को क्या मिलता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलता है, जितना वो खरीदेंगे उस पर उनको कमीशन मिलेगा, और वो लोग बल्क में खरीदें इसलिए भी उनको कमीशन दिया जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग ये एक बिजनेस का टाइप है जो कि बहुत पॉपुलर है विद पीपल लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, जिसमें फ्लेक्सिबल बिजनेस आज रहे अपने हिसाब से, जब मन किया तब बेचेंगे, जब मन नहीं किया तब नहीं। आपकी पहचान में कोई ना कोई आंटी या अंकल ऐसे पक्का मिलेंगे जो बोलेंगे आओ एक सेमिनार में आपको लेकर चलता हूँ। ये वही है बेटा, वही खेल है, ठीक है। अब जैसे एवॉन हो गया, टपरवेयर हो गया, एम्वे हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, है ना, ओरिफ्लेम, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा किसके, मार्केटिंग के, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के। अब नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं भाई साहब। पहले हम लोग फायदे देख लेते हैं। आप लोग का नेटवर्क जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, नाउ सिंस योर नेटवर्क इज इंक्रीजिंग आप लोगों को पैसे मिलते जाते हैं, आपने किसी और को बेचा, वो किसी और को बेचा, तो उसका कमीशन आप तक आते जाता है। फिर इसके बाद में आता है आप लोगों को खर्चा बहुत कम लगता है, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा बहुत कम लगता है, ठीक है, तो ओवरहेड्स कॉस्ट कम हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहती, आप घर से आराम से काम करो, कंपनी को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। अपॉर्चुनिटी कईज बहुत ज्यादा रहती है भाई, जितना ज्यादा आपका नेटवर्क रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा बेटा, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम करेगा। अब यार डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सेल्स फोरकास्ट करना, कितना बिकेगा एक्चुअली सामान वो फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है भाई, कई बार डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो खरीद के तो बैठ जाता है, वो गुड्स उसके छाती पे आ गए, अब भाई कोई खरीदे ही ना उससे गुड्स, तो उसी को यूज करना पड़ जाएगा, तो कई बार ही बिकम्स द लार्जेस्ट कस्टमर, ठीक है, वो एक दिक्कत आ जाती है। अब कई बार क्या होता है बेटा, इट इज देयर इज सम रिस्क कंसर्न इन बिकमिंग कैपिटलिस्ट एंड ज्वाइनिंग दीज बिजनेस। अब क्या होता है बेटा, जितने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग कई बार थोड़े से क्या करते हैं, इनिशियल मंथ में ये लोग बहुत मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करते हैं, बट आगे टाइट फुस हो जाते हैं, काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। फिर ये था मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरा है फ्रेंचाइजिंग। बेटा फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इमेजिन करो अगर कोई भी चीज बनाने का आपके पास में अधिकार है, आपके पास में पूरा उसका राइट जो है वो आपके पास में, ठीक है, कोई भी चीज बनाने का जो राइट है वो किसके पास में बेटा, आपके पास में। अब ये बनाने का राइट अगर आप किसी और को भी देते हैं तो ये क्या है बेटा, आपने किसी को वो बनाने का जब अधिकार दिया
तो वो चीज, वो पेटेंट को यूज करने का अगर अधिकार दिया तो उसे आप कहेंगे क्या बेटा, फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग मीन्स अ स्पेशल राइट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर और द पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर इंडिविजुअल और फर्म। एक्सक्यूज मी, डोमिनोज का आप फ्रेंचाइज लेते हैं बेटा, तो ये आपने क्या किया, फ्रेंचाइज लिया। वो बनाने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप फ्रेंचाइज लेंगे। ऐसे ही आप डोमिनोज का एक दुकान खोल के नहीं बेच सकते, है ना। In other words, where a firm allows another firm in a foreign market, है ना, to use its technical know-how, उसका knowledge use करके अगर आप कोई भी, या उसका trademarks use करके अगर आप कोई भी product use कर सक, कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसे हम franchising कहते हैं। अब इसमें कुछ important terms हैं। वो बंदा जो कि अपना अधिकार दे रहा है उसे franchisor कहते हैं, वो लोग जो कि अधिकार ले रहे हैं उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं उसे फ्रेंचाइज अग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, ये क्या है हम लोगों ने देख लिया। अब फ्रेंचाइजर जो है वो एक से ज्यादा लोगों को या एक से ज्यादा फ्रेंचाइजीज को अपना जो फ्रेंचाइज है वो दे सकता है। बदले में वो क्या है, फ्री में तो करेगा नहीं, वो बदले में कुछ ना कुछ फीस लेगा, रॉयल्टी लेगा, कुछ ना कुछ पैसा लेगा भाई साहब आपसे, है ना। अब भाई साहब फ्रेंचाइज जो है ना, इट इज ऑफ एंग्लो फ्रेंच डेरिवेशन, जो कि एक वर्ड है फ्रैंक, जिसका मतलब है फ्री। आप क्या करते हैं भाई साहब, फ्रेंचाइज जो है वो एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव है चेन स्टोर्स का। आप खुद ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हैं आगे, सामने वाला बंदा इंटरेस्ट दिखाता तो आप उसको बोलते हैं ले भाई तू मेरे बिहाफ में वो सामान बेच, थोड़ा सा पैसा तू रखना, थोड़ा सा पैसा मेरे को देना, खत्म। ठीक है, तो खुद ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बना रहे हैं आप, वो काम किसी और को दे दे रहे हैं, है ना। नाउ ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है भाई, बिकॉज आप देखो लोग जो है इसमें फ्रेंचाइजर को भी फायदा होता है, फ्रेंचाइजी को भी फायदा होता है, दोनों को कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये क्या बेटा, ये एक ऐसा आपका सिस्टम है जिसमें कि फ्रेंचाइजर कुछ अधिकार देता है फ्रेंचाइजी को कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा नाम यूज करके ये काम कर सकते हैं, बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये सिंपल सा आपका ये रहेगा, जो अरेंजमेंट है वो रहेगा। फीचर्स क्या है, फ्रेंचाइजर अलाउज फ्रेंचाइजी टू यूज हिज ट्रेडमार्क, है ना, वो अपना ट्रेडमार्क यूज करने का परमिशन दे देता है। फ्रेंचाइज अग्रीमेंट रिक्वायर्स फ्रेंचाइजी टू फॉलो फ्रेंचाइजर्स पॉलिसीज। अब देखो यार, आपने डोमिनोज का फ्रेंचाइजी अगर लिया है ना, आपने डोमिनोज का फ्रेंचाइज अगर लिया है, तो भाई साहब आप उसका जो इंटीरियर है ना, रेड कलर का सोफा, व्हाइट कलर की दीवार, वही यूज करेंगे। आप पिंक कलर का सोफा और येलो कलर की दीवार नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट, वो आपको मार्केटिंग सपोर्ट करके प्रोवाइड करके देगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके देगा, है ना। तो फ्रेंचाइजर जो आपको टेक्निकली बिजनेस सेटअप करने का, सेटअप करने में पूरी मदद करता है। ठीक है, वो आपको ट्रेनिंग पर्सन्स भी अवॉइड प्रोवाइड करके देगा इनिशियली, है ना, वहां पे आपका बंदा भी रहेगा फ्रेंचाइजर का। फ्रेंचाइजी जो है वो आपको रॉयल्टी पे करेगा, किसको, फ्रेंचाइजर को, उसका नाम यूज करने के लिए। और जो बिजनेस का नो हाउ है या जो ट्रेडमार्क है वो फ्रेंचाइजर एक लिमिट तक का ही, एक समय तक का ही फ्रेंचाइजी को देता है, उसके बाद में फ्रेंचाइजी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को, अग्रीमेंट को रिन्यू करवा सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो कुछ एडवांटेजेस फ्रेंचाइजर के हैं, कुछ एडवांटेजेस फ्रेंचाइजी के हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, देखो द फ्रेंचाइजर कैन एक्सपैंड हिज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो फ्रेंचाइजर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सपैंड कर सकता है कम से कम समय में। ठीक है, फ्रेंचाइजर जो है वो ही इज एबल टू एक्सपैंड द बिजनेस विद लिटिल एक्स्ट्रा कैपिटल, उसको बहुत कम पैसे में वो बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है। फ्रेंचाइजर को इम्पोर्टेंट फीडबैक मिलता है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में फ्रेंचाइजी से। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग एनेबल्स द फ्रेंचाइजर्स अपना गुडविल बढ़ाने में, उसका रेपुटेशन बढ़ाने में। देखो जितने ज्यादा लोग उसका फ्रेंचाइज लेंगे उतना उसका गुडविल बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, यार ये तो सब जगह दिख रहा है करके, है ना। फ्रेंचाइजर गेन्स वाइडर एक्सेप्टेंस, भाई साहब उसका ब्रांड नेम जो है ना, अगर अब देखो कौन नहीं चाहेगा यार, अपना डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, आपका मैकडोनल्ड्स हो गया, है ना, ये सब जो है यार, KFC, ये सब कौन नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं यार ये सब फ्रेंचाइज लेना। द राइट ऑफ फ्रेंचाइजर्स आर प्रोटेक्टेड एज ओनली द फ्रेंचाइजी कैन यूज द फ्रेंचाइजर्स पेटेंट्स, है ना। फ्रेंचाइजर के अधिकार भी बचे हुए रहते हैं, क्यों, बिकॉज सिर्फ फ्रेंचाइजी वही आपके पेटेंट यूज कर पाएगा, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब भाई फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट रहते हैं,
द बिजनेस इज बेस्ड ऑन प्रूवन आइडियाज. भाई आपको कुछ नया काम नहीं करना है, जो ऑलरेडी चलता चला का बिजनेस है उसी को आपको आगे लेकर जाना है. तो जो चल रहा है, जो परखी हुई चीज है, वो चीज आपको करनी है, कुछ नया नहीं करना है. ठीक है, फ्रेंचाइज कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंचाइजर्स. भाई जो फ्रेंचाइजर है वो बिजनेस शुरू करने में आपको मदद कर सकता है फ्रेंचाइजी को. फ्रेंचाइजी जो है उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो उसका स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना. आपके बिजनेस का सक्सेस का रेट ज्यादा रहता है बिकॉज इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, और फ्रेंचाइजर का गुडविल भी है उसके ऊपर से, तो ये आपको बेहतर तरीके से काम होगा, है ना. फ्रेंचाइज जो है वो कंट्रोल जो है वो ज्यादा अच्छे से रहता है. फ्रेंचाइजी इट एनेबल्स द फ्रेंचाइजी टू सैटिस्फाई हिज कस्टमर्स बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अब देखो यार, फ्रेंचाइजर जो है वो बोलेगा कि आप यही काम इसी तरीके से करो, अपने मन से काम मत करो, तो एक कंट्रोल रहता है. उस हिसाब से क्या होगा यार, जो कस्टमर्स है वो सैटिस्फाइड रहेंगे, है ना. द फ्रेंचाइजी एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट इन हिज टेरिटरी. एक फ्रेंचाइजी को उसके एरिया का अधिकार दे दिया जाता है कि भाई आप ये एरिया संभालो ना, तो आपका पूरा अधिकार रहेगा उसके ऊपर में. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी दोनों को डिसएडवांटेजेस रहेंगे. भाई एक खतरा हो सकता है फ्रेंचाइजर को, द डेंजर दैट द फ्रेंचाइजी मे स्टार्ट आइडेंटिकल बिजनेस. जो फ्रेंचाइजी है वो आपका देख लेगा धंधा कैसे करते हो, और वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है ना. फ्रेंचाइजर्स का ब्रांड नेम जो है वो खराब हो सकता है अगर फ्रेंचाइजी ने कुछ भी गलती किया. अरे यार देखो, अब एक डोमिनोज का फ्रेंचाइज आपने लिया, उसमें अगर कोई पिज्जा में मक्खी चले गई तो दुकान वाले को थोड़ी गाली मारोगे, वो तो आप डोमिनोज को गाली मारोगे, है ना. भाई गया फ्रेंचाइजर का नाम, है ना. फ्रेंचाइजर हैज टू प्रोवाइड इनिशियल कैपिटल. भाई फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ता है फ्रेंचाइजर को इनिशियली, ट्रेनिंग स्टाफ भी देना पड़ता है, तो खर्चा तो उसको भी करना पड़ रहा है. ठीक है, ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने के प्रॉब्लम रहता है, वो एक रिस्क रहता है कि आपके ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो कहीं और दूसरे लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, ऑनगोइंग कॉस्ट रहता है. भाई आप लोगों को कंटिन्यूसली एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है. आप देखते हो डोमिनोज के पिज्जा के एड्स आते रहते हैं यार, वो तो करना ही पड़ता है, ऑनगोइंग कॉस्ट है वो, है ना. तो ये हो गया फ्रेंचाइजर्स के लिए कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज. फ्रेंचाइजी के लिए डिसएडवांटेज क्या है, तो फ्रेंचाइजी को पूरा कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता, जैसा फ्रेंचाइजर ने बोला है वैसा उसको काम करना पड़ेगा. फिर आता है रॉयल्टी, उसको पे करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे. भाई जैसे ही आपके पास में फ्रेंचाइज आया, आपको रॉयल्टी का घड़ी टिक 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 चालू हो जाती है, पैसे पे ही करना पड़ता है ना. कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम आ सकता है भाई, है ना. फ्रेंचाइजर कुछ और सोचेगा, फ्रेंचाइजी कुछ और सोचेगा, उन लोगों के क्वालिटी नॉर्म्स को लेके या कुछ ना कुछ कंट्रोल को लेके कुछ ना कुछ मतभेद दोनों में आ सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दोनों में आ सकती है. ठीक है, नाउ फ्रेंचाइज कैनॉट सेल हिज बिजनेस विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ द फ्रेंचाइजर. भाई जो फ्रेंचाइजी है वो अपना बिजनेस बेच नहीं सकता बिना फ्रेंचाइजर का कंसेंट लिए, क्योंकि देखो यार, आपका बिजनेस अगर मैं चला रहा हूं तो मैं, मतलब आपके नाम पे अगर मैं धंधा कर रहा हूं, तो मैं वो बिजनेस नहीं बेच पाऊंगा जब तक मैं आपसे परमिशन ना लूं, है ना. तो ये कुछ प्रॉब्लम है ना. फिर ये सिंपल से एक टॉपिक दिया, ये आप लोग एक बार ग्लांस कर लेंगे, डिफरेंस क्या है बिटवीन फ्रेंचाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका एजेंसी. अब आता है भाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो, इट इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग. पहली बात तो आउटसोर्सिंग क्या ये समझो. आउटसोर्सिंग में आप क्या करते हैं, आपके बिजनेस का एक नॉन कोर नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी किसी और को देते हैं. ध्यान से सुनना. अब फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बना रहे हैं मोबाइल फोन्स का जो कस्टमर केयर है ना, या आप कोई भी एक सर्विस कर रहे हैं, जो कोई भी गुड्स बनाकर बेच रहे हैं, उसका जो कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है, क्या उससे कोई रेवेन्यू आ रहा है आपको? नहीं. ठीक है, आपने वो काम क्या किया, आपने वो काम किसी और को आउटसोर्स कर दिया. आप आउटसोर्स क्यों करते हो, ताकि आप अपने मेन काम पे ज्यादा ध्यान दे सको, है ना. उसको बेहतर कैसे करें वो आप देख सको, उसमें और नए नए डेवलपमेंट्स ला सको, इसलिए आप आउटसोर्स करते हो. ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का एक पार्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि पूरे बिजनेस में से एक प्रोसेस, पूरे बिजनेस में से कोई एक काम, पूरे प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस आप क्या करते हो, आउटसोर्स कर देते हो. तो इसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ठीक है, अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं. केपीओ रहता है, एलपीओ रहता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ठीक है, अब जैसे देखो सबसे बड़ा स्फीयर कौन सा है, ये है आपका आउटसोर्सिंग का. ठीक है, फिर इसके अंदर एक आता है क्या, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक टाइप है क्या, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग.
नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक टाइप है क्या, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये आपको स्फीयर बताया कि सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है आउटसोर्सिंग, फिर उसका एक टाइप है क्या बीपीओ, फिर उसका एक टाइप है क्या केपीओ, फिर उसका एक टाइप है क्या एपीओ। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग आप लोगों को समझ में आया आई होप। आउटसोर्सिंग क्या है बेटा, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब आप किसी स्पेशलिस्ट को कोई काम देते हैं करने के लिए। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। इमेजिन करो कि आप लोगों की एक क्या कहते हैं एक शॉप है ना, कोई भी चीज़ का एक शॉप है आपका। अब वो शॉप में जो अकाउंट्स वगैरह देखना है, अकाउंट्स का जो काम करना है, आप वो काम आउटसोर्स कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, अपना धंधा संभालना है। आप वो अकाउंट्स वगैरह बिल्स वगैरह मेंटेन करना, एंट्री करना, ये सब काम आप करोगे तो धंधा कौन देखेगा, है ना। मेन काम पैसा किससे आ रहा है, धंधे से आ रहा है। अब वो बिल्स वगैरह संभाल के रखना, अकाउंटिंग करना, ये आपका काम मेन नहीं है, जरूरी है बट मेन काम नहीं है। आपको वो काम आता भी नहीं है ढंग से। अब यार जब आपको वो काम ढंग से नहीं आ रहा है तो यार वो काम करने में आप गलतियां करोगे। अब जब आप वो काम करने में गलतियां कर रहे हो तो उसको ठीक करने में समय लगेगा, तो उससे बेहतर क्या है कि आप वो काम किसी स्पेशलिस्ट को दे दो, वो काम वो करेगा तो बेहतर तरीके से होगा, अच्छे से होगा, राइट। तो ये समझ में आया आप लोगों को। तो अगर आप देखें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आप बिजनेस का कोई प्रोसेस जो है वो किसी स्पेशलिस्ट को करने के लिए देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को आप देते हैं। ठीक है, तो बीपीओ क्या है बेटा, इसमें और भी अलग अलग टाइप्स है, केपीओ रहता है और एलपीओ भी इसमें आता है। अब इसका क्यों करते हैं आप आउटसोर्सिंग, ताकि आपको स्पेशलाइज्ड काम मिले, है स्पेशलाइज परफॉर्मेंस आप कर सके। जो काम आपने आउटसोर्स किया किसी स्पेशलिस्ट को दिया है तो वो भी काम अच्छे से कर पाएगा और आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। ठीक है, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको इकोनॉमी मिलेगा, मतलब कम दाम में कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। सर स्पेशलिस्ट को दिया तो खर्चा ज्यादा लगा करेगा, बराबर वो ज्यादा पैसा ले सकता है, बट जब आपने उसको काम करने के लिए दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई साहब कि वो जब काम करके दे रहा है पैसा ज्यादा ले रहा है बट गलतियां नहीं कर रहा है, कम समय में करके दे रहा है। वहीं पे अगर आप करते तो गलतियां ज्यादा करते, समय ज्यादा लगाते, अपना काम छोड़ के वो काम करते, तो ओवरऑल खर्चा आपका बढ़ जाता है ना। इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस, वो बंदा वो काम कर रहा है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो तो स्मूथली आपका काम हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, भाई आप लोग अपने काम पे ध्यान दोगे तो बेहतर तरीके से और वो काम कर पाओगे, तो अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो बीपीओ का एडवांटेज है भाई साहब कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलती है भाई साहब, कि आपको वही काम करना है जो काम में आपकी रुचि है, जो नॉन कोर काम है, जो बिजनेस प्रोसेस है वो आपने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया बेटा, आउटसोर्स कर दिया, तो उसके लिए जो लोग हैं वो भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से वो काम को आउटसोर्स कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, खर्चा बच जाता है भाई साहब, है ना। कई बार अगर आप कोई एचआर का काम आपने आउटसोर्स कर दिया, आईटी का काम अगर आपने आउटसोर्स कर दिया तो आपका खर्चा बच जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में आप अपने काम पे ध्यान दे पाओगे, मेन काम पे, आपका काम जल्दी करके मिलेगा आप लोगों को, स्पीडी मिलेगा, है ना। आपका बिजनेस जो है वो आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि जो रुकावट थी कि वो काम में हमारी स्पेशलिटी नहीं, अरे ठीक है स्पेशलिस्ट को दे दो, है ना, जो काम आपको नहीं जम रहा वो स्पेशलिस्ट को करने दो, तो आप अपने मेन काम पे ध्यान दो ना, तो दैट आपको वो बिजनेस ग्रो करने में मिलेगा। फिर आता है स्किल्ड मैन पावर, भाई साहब आपका जो मैन पावर है आप अपने काम पे ध्यान उसको लगाओ, नॉर्मल इसमें दूसरे कामों में उसको एंगेज मत करो। ठीक है, फिर इसके बाद में आता भाई डिसएडवांटेजेस क्या है, हो सकता है कि भाई कम्युनिकेशन में दिक्कत जाए, है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो दूसरे देश में रहा, मान लो अगर चाइना में कोई चीज़ आपने आउटसोर्स कर दी, इन चाउ चाउमीन वो क्या बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो भाई वहाँ पे आपको दिक्कत जा सकती है। ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स रह सकते हैं दोनों के काम करने के, टाइम जोन अलग अलग रह सकता है, भाई साहब उधर दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, काम करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। कंट्रोल चला जाता है आपके पास से, आपने अगर वो काम उसको दिया तो वो अपने हिसाब से करके देगा काम, है ना, आपको हो सकता है आपके हिसाब से काम ना करके दे। फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर वांट्स टू डाइवर्सिफाई एंड टेक मोर प्रोवाइड मोर प्रोजेक्ट्स। अब यार जो बंदा आउटसोर्सिंग का काम कर रहा है, आपने जिसको काम दिया है वो सिर्फ आपका काम करने थोड़ी बैठा है, वो तो और भी काम करेगा, तो जब वो और भी काम कर रहा है तो भाई साहब वहां पे उसको आपके काम पे ध्यान कम देगा ना। पहले सिर्फ आप थे तो बहुत ध्यान दे रहा था आपको, बट लोग जैसे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे उसका ध्यान भी कम होते जा रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है।
फिर कस्टमर जो है ना उसकी कोई 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 इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। कस्टमर हैज नो वॉइस, है ना भाई। आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो अपने हिसाब से बंदा काम करके दे देगा आपको। वो काम जैसा करके दिया वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आता है भाई आपके प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे यार, वो बंदा जो काम करके दे रहा है, हो सकता है वो आपको समय पे काम कंप्लीट करके ना दे, हो सकता है आपके हिसाब से काम कंप्लीट करके ना दे, हो सकता है उसने जो चीज जैसे बोला था वैसा काम करके ना दे, तो भाई आपको दिक्कत जा सकती है ना। तो ये है क्या बेटा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब हम देखते हैं बेटा ई कॉमर्स, वेरी इजी कंसेप्ट भाई। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, है ना। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, है ना, चीजों को खरीदने बेचने का काम जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं बेटा, ई कॉमर्स कहेंगे ना। ई कॉमर्स जो है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ई कॉमर्स का स्कोप भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। टेक्निकली देखो आप लोग के सिलेबस में तो दो चार ही चीजें दी हैं, बट जब भी दो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी दो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसे उसे हम कहते हैं बी टू बी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब भी बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं बी टू सी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब भी कंज्यूमर से बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं सी टू बी ट्रांजैक्शन। जब दो कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं सी टू सी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब भी क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब विद इन द सेम बिजनेस, तो उसे हम इंट्रा बी कहते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अब आप ये समझ के देखिए, और भी टाइप्स हैं, पहले ये समझा देता हूं फिर मैं बताता हूं। बी टू बी ट्रांजैक्शन क्या रहेगा बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मान लो एक मैन्युफैक्चरर और एक होलसेलर के बीच में ट्रांजैक्शन रहा है थ्रू अ वेबसाइट, एक वेबसाइट के जरिए अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है एक मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, तो उसे हम कहेंगे बी टू बी ट्रांजैक्शन। उसे हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे, बी टू बी, बाय इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए, ठीक है, वेबसाइट के जरिए होना चाहिए, तो बी टू बी ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जब भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉप क्लूज और जो भी वेबसाइट्स है वहां से कोई सामान खरीदते हैं तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, बी टू सी, कंज्यूमर के पास में गुड्स आ रहे हैं। अब भाई आपने अगर कोई गुड्स बेचे हैं किसी को ऑनलाइन ओएलएक्स के थ्रू, ईबे के थ्रू, तो जब भी दो कंज्यूमर्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं सी टू सी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अगर आपने ऑनलाइन कोई फीडबैक लिखा, कोई सर्वे में पार्ट लिया ऑनलाइन, तो उसे हम कहते हैं सी टू बी ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप ऑनलाइन काम करते हैं या सर्वेज में पार्ट लेते हैं या तो फिर आप फीडबैक देते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसे आप सी टू बी ट्रांजैक्शन, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, कंज्यूमर से बिजनेस की तरफ। ठीक है, अब एक ही बिजनेस के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब एक वेयर हाउस से आपकी गुड्स आपने ट्रांसफर किए दूसरे वेयर हाउस में, ठीक है, ये एक ही गुड्स एक ही इसमें हुआ, या तो फिर एक स्टोर से आपने गुड्स ट्रांसफर किए दूसरे स्टोर में, या फिर वेयर हाउस से गुड्स आए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो एक ही बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसे हम इंट्रा बी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये है ई कॉमर्स का स्कोप। क्लासिफिकेशन आप लोग को क्या दिया है, बिजनेस टू बिजनेस दिया है, बिजनेस टू कंज्यूमर दिया है, कंज्यूमर टू बिजनेस दिया है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर दिया है। ठीक है, बी टू बी ट्रांजैक्शन कब रहेगा बेटा, जब आपके दोनों लोग जो बिजनेस करने वाले हैं वो दोनों बिजनेस है, है ना, मतलब दोनों पार्टीज जो है वो बिजनेस है, उसे हम बी टू बी ट्रांजैक्शन कहेंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर कब कहलाया जाएगा, जब बिजनेस से गुड्स जाते हैं कंज्यूमर के पास में, उसे हम बी टू सी कहेंगे। जब कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन या कुछ आप जब इंफॉर्मेशन देते हैं बिजनेस को, या तो फिर आप क्या करते हैं, आप कोई
कंप्लेन फाइल करते हैं या तो फीडबैक का फॉर्म भरते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे बेटा, सी टू बी कहेंगे। और सी टू सी का मतलब जब दो कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं सी टू सी ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप लोगों को इतना ही दिया है तो हम इतना ही ध्यान रखेंगे। एडवांटेजेस क्या है, अब देखो यार, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ग्लोबली आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। अब यार मैं यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन कहीं पे भी कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ, राइट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है, मार्जिन ज़्यादा हो जाती है, खर्चा कम है, मार्जिन ज़्यादा है, डिलीवरी जो है वो कंपैरेटिवली क्विक है। बट नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस से डिलीवरी लेट है, आप वो चीज़ ध्यान रखेंगे, बट डिलीवरी काफ़ी जल्दी होती है ना। आप लोगों का समय बचाता है भाई, है ना, आप कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आपका समय बचता है, 24/7 वर्किंग है, ऐसा नहीं कि 8 से या 9 बजे से 6 बजे तक खुला है या तो कोई फिक्स आवर्स नहीं है, 24/7 365 डेज अ ईयर आपका ये चालू रहेगा। सप्लाईज जल्दी मिल जाती हैं आप लोगों को, है ना, लोगों से जो सप्लायर्स हैं उनसे आपको सप्लाई जल्दी मिल जाता है ऑनलाइन सब काम करने से। तुरंत आपको ऑर्डर प्लेस हो गया, तुरंत उसने डिस्पैच कर दिया तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वही आप लेटर भेजते वो आता समय लगता था। वाइड अ चॉइस, आप लोग कंज्यूमर्स को भाई बहुत सारी चॉइस मिल जाती है। आप जाओ वेबसाइट्स पे, जाओ ईबे पे जाओ या तो फिर आप अमेजोन पे जाओ, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, कितनी दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, है ना। फिर उसके बाद में आता है कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का कन्वीनियंस, सब चीज़ एक जगह पर मिलती है। आप घर पर डिलीवरी मंगवाना है घर पर डिलीवरी मंगाओ, ऑफिस में डिलीवरी मंगाना है ऑफिस में डिलीवरी मंगाओ, सेल्समैन से फ़ोन करके रास्ते में कहीं पर लेना रास्ते में कहीं से पिक कर लो चलेगा, है ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है भाई बिजनेस का और कंज्यूमर का, बीच के जो बिचौले हैं वो हट जाते हैं, तो आपका कई बार गुड्स भी सस्ते में मिल जाते हैं। एंड नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं यार, फोन्स आप देखो फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव लॉन्च होते हैं कई बार फोन्स, तो वो लॉन्चिंग ऑफ नए प्रोडक्ट्स में भी काम देता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा पैसा लगता है, सेटिंग अप कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों भाई, आप लोगों को इंटरनेट खर्चा लगेगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कोई एकदम हैक ना कर ले आपका सिस्टम वो भी लगेगा, है ना। तो आपको वैसा डेटाबेस आपका स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, फायरवॉल सही रखना पड़ेगा, उसका सेटअप करने का कॉस्ट लगेगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट लगेगा आप लोगों को वेब पेज का, है ना। ऐसी एरी गैरी नत्थू गैरी कोई भी वेबसाइट नहीं चलेगी, थोड़ी प्रॉपर रहना चाहिए। रिस्क ज़्यादा है। अब भाई क्या हो सकता है, आपने मोबाइल मंगवाया, हो सकता है उसके अंदर में फोटो निकल गई भगवान की तो क्या करोगे, ईटा निकल गया, पत्थर निकल गया तो क्या करोगे, आटे का गोला निकल गया तो क्या करोगे, रिस्क है भाई साहब इसमें, है ना। अब इसमें क्या होता है भाई, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, आप लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, है ना। अब दूसरी बात, आपका जो वेब पेज है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। लोग जो है दोनों साइड बिजनेस के लोगों को भी पता रहना चाहिए कि अपना वेबसाइट कैसे मेंटेन करें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स भाई उसे भी चीज़ें आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए कम से कम, है ना। फिर फुलफिलमेंट प्रॉब्लम, कई बार ऐसा हो सकता है भाई कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, रॉन्ग डिलीवरी जिसे हम कहते हैं ना, गलत डिलीवरी हो जाती है, या हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलती ही नहीं है, है ना, वेबसाइट्स के ऊपर में वो भी प्रॉब्लम होता है। लैक ऑफ पर्सनल टच, अब जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ ये करते हैं तो यार वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता जो कि आपको चीज़ बताता, खुद डिसीजन लेना पड़ता है आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। आप उसे देख कर छूकर भी नहीं देख सकते, मतलब प्रोडक्ट को आप छूकर भी नहीं दे सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद में आता है सिक्योरिटी भाई, हो सकता है कोई ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे आप चले गए कोई सामान खरीदने के लिए तो हो गया भाई, आपका गलती से अगर कार्ड का डिटेल वहाँ डाल दिया तो गए आपका, तो भाई तो लुट गए हम यही वेबसाइट्स में, ऐसा हो जाएगा भाई आपका प्रॉब्लम, है ना। फिर आता है सिस्टम एंड डेटा इंटीग्रिटी, भाई साहब आपके कंप्यूटर्स में वायरस आना इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे अगर आप चले जाते हो तो आपके कंप्यूटर्स में वायरस आ सकता है ना, आपका डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट वल्नरेबिलिटी, भाई साहब अब आप लोगों के जो पूरे पूरा पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें, कुछ एक्सक्लूसिविटी बची नहीं है, तो यार अब क्या होता है लोग इधर उधर से सब चीज़ चुरा के अपना भी तो धंधा शुरू कर सकते हैं, तो आप लोग का थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर पीपल्स रेजिस्टेंस, व्हाई डू हैव पीपल्स रेजिस्टेंस भाई, वाई डू पीपल हैव रेजिस्टेंस, बिकॉज लोगों को ये जमता नहीं है ना, सिंस पीपल डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ इट तो लोग इसमें नहीं आते हैं ना, अंगूर खट्टे टाइप का ज्ञान दे देंगे तो भाई वो प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बेनिफिट्स क्या है तो वो नई चीज़ ट्राई भी नहीं करते, वो दिक्कत हो जाती है। अब ये तो हो गया ई कॉमर्स, दूसरा है एम कॉमर्स, कुछ नहीं
एम कॉमर्स आप नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी अगर मोबाइल के थ्रू करोगे उसे हम एम कॉमर्स कहेंगे। पैसा ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी सामान खरीदना बेचना, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, है ना, आपको मोबाइल चाहिए जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी हो, आपको मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए, आप लोग जो है आपका जो गुड्स जो भी आप लोग बेच रहे हैं वो वेबसाइट पे लिस्टेड रहना चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो कि आपके एम कॉमर्स में आता है। अब वो एक आपका डिजिटल असिस्टेंट ही बन जाता है यार, ये तो हम सबको पता, हम तो इससे ऊपर उठ चुके हैं। डिजिटल असिस्टेंट बन जाता है मतलब हम तो इससे ऊपर उठ चुके हैं भाई, कि हमें एम कॉमर्स करने के लिए भाई हमें जो चीज़ें चाहिए इंटरनेट में, आप गूगल है, सीरी है, है ना, आप उससे पूछो कि भाई साहब ये कौन है या ये कहाँ मिलेगा, आपको पट से आंसर मिल जाता है, एक डिजिटल असिस्टेंट बन जाता है भाई मोबाइल। अब आपके लिए एम कॉमर्स करना इज़ वेरी इजी, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आपको चाहिए आप लोग को तुरंत आपके सामने पलकों के सामने सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एडवांटेजेस क्या है भाई साहब इसके, भाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाता है, है ना, कन्वीनियंट है काफ़ी आपके लोग के लिए, ट्रांजैक्शंस करना काफ़ी इजी है मोबाइल से, कहीं भी बैठे बैठे, यार बेडरूम में बैठे करो, आप ऑफिस में बैठे बैठे करो, ट्रैवलिंग के दौरान करो, कब जब करना है आपको ट्रांजैक्शंस तब करो। आप लोगों को टारगेट मार्केटिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, कि हमें किसको टारगेट करना है वो करना काफ़ी आसान हो जाता है, जिस लोकेशन पे हमें जो चीज़ बेचना है वो काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स वैसे करो आप, है ना। अब लिमिटेशन क्या है भाई, नेटवर्क नहीं रहा मोबाइल में, इंटरनेट नहीं रहा तो गया आपका, है ना, गया, आप नहीं यूज़ कर सकते फिर, है ना। फिर इसके बाद में भाई आपका जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है, अब देखो यार कहीं कहीं पे नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, तो आप एम कॉमर्स कहाँ से कर पाएंगे, है ना। फिर फ्यूचर क्या है भाई, बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर आप देखें तो, फ्यूचर यही है, है ना। आप देखो आपको आज मोबाइल पे क्या चीज़ नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, है ना। तो यार यही सारी चीज़ें, दिस इज़ द फ्यूचर यार, आप लोग आजकल मोबाइल पे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, चीज़ों का, लोगों का, सब इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे निकल जाता है। तो एम कॉमर्स इज द फ्यूचर, राइट। सो ये चैप्टर में इतना ही है, दैट्स इट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा चैप्टर आप लोग का बचा है बिजनेस फंक्शंस, वो आप लोग एक बार ग्लांस कर लेंगे। ये वीडियो को अगर आपको लगता है तो एक बार सिर्फ सुन लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पहले, है ना। इतना भी अगर आप देख कर जाते हैं तो आप लोग को आई एम श्योर काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एंड कोशिश करना है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है। अब रहा एक बिजनेस, आपका जो लास्ट टॉपिक है बिजनेस फंक्शंस, वो आप लोग एक बार ग्लांस कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको दिक्कत रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ एक चीज़ याद रखना, शांति से पेपर सॉल्व करना है, पैनिक करके पेपर सॉल्व नहीं करेंगे प्लीज़, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम वेरी सून इन एग्जीक्यूटिव। God bless you all. Bye bye. Thank you.